देखो लेकिन ये इसके थ्योरेटिकली तो मैं हक्का इतना पीडीएफ पढ़ा से दूंगा कि निकाल आपको है, किताब हक्का पढ़ने की विलियम जरूरत वाली नहीं सर, है। क्या करे सर इसके हक्का नोट्स विलियम, आपने हमें क्या सेंड करे वो किए हैं वो? हक्का विलियम वाली बुक जो आपने जो रेकमेंड करी है वो बुक। कुछ क्लियर नहीं हुआ आपकी आवाज, कुछ मैं माइक सर, से जरा फिर मैं से कह रहा बोले। हूँ हक्का सर, वो हक्का विलियम वाली बुक ना जो आप कह रहे हैं अकाउंटिंग की, ये मैंने बुक लास्ट टाइम बुक बताई थी पिछली सी पिछली क्लास में, ठीक है? तो वो बुक का मैंने पिक्चर भी भेजी थी आपको आपके ग्रुप में, अगर नहीं है तो फिर मैं दोबारा भेज दूंगा, ठीक है? तो ये बुक है तो चलो फिर देखेंगे। आपको ये बुक का टाइटल नहीं पता? आपको बुक का ऑथर हक्का चलो विलियम ना। अकाउंटिंग साइकिल्स देखिए क्या। देखो अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है? अब देखो इसको सुनो सब गौर से, आ गए ना सब? अच्छा देखिए, समरी ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स टू बी फॉलोड इन रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड द अकाउंटिंग साइकिल। क्या? देखो द समरी ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स, ठीक है, सीक्वेंशियल स्टेप्स टू बी फॉलोड इन रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड अकाउंटिंग साइकिल एंड दीज स्टेप्स आर एज फॉलोज। देखिए ये स्टेप्स है। नंबर वन, जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन्स, यानी जर्नल जर्नल, जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कि जर्नल जर्नल ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें रिकॉर्ड होता है। जर्नल जर्नल, जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन मतलब जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है? अभी जर्नल एंट्री का बताएंगे आपको कि क्या है जर्नल एंट्री। क्या देखो पहला स्टेप, देखो आपने देखा जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है? ये काम कौन कर रहा होता है? जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट्स होते हैं ना, जूनियर स्टाफ है, वो ये काम कर रहा होता है और फुल डे उसकी ये ड्यूटी यही होती है स्टाफ की, जो जूनियर स्टाफ होता है, के डे टू डे जर्नल एंट्री पास करना, ठीक है? अभी नेक्स्ट पेज पे बताएंगे कि व्हाट इज जर्नल एंट्री, ठीक है? अकाउंटिंग आपने समझना, तो इनको स्टेप्स को समझना आपने, एक एक स्टेप को। नंबर टू, पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम जर्नल जर्नल टू लेजर अकाउंट्स। अब देखो पोस्ट कर रहे हैं, जर्नल जर्नल में तो रिकॉर्ड कर दिया, अब इसकी पोस्टिंग हो रही है डे टू डे, ये काम भी डे टू डे कर रहे हैं, ठीक है? ये काम भी कौन कर रहा है? डे टू डे है, सेम पर्सन भी हो सकता है लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है। अगर कोई कंपनी बहुत ह्यूज कंपनी है तो ये जर्नल एंट्री एक एक कोई एक पर्सन एक रिकॉर्ड कर रहा होगा, पोस्टिंग दूसरा बंदा कर रहा होगा, ठीक है? अगर कंपनी बड़ी है, अदरवाइज मीडियम कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, तो सेम पर्सन विल बी डूइंग सेम, सो विल बी डूइंग द सेम जॉब, ठीक है? थर्ड है प्रिपेयरिंग अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है? तो ये तीन स्टेप्स हम आपको समझाएंगे आज, ठीक है? अभी फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है? मिक्सअप हो जाएगा। थ्री स्टेप्स हम अभी समझा रहे हैं आपको, ठीक है? क्या क्या? जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन, जर्नल जर्नल दैट इज डे टू डे, पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल जर्नल टू लेजर अकाउंट्स। अभी इस डॉक्यूमेंट से लेजर अकाउंट्स में पोस्ट हो रहा है, ठीक है? लेजर अकाउंट्स में जो लेजर हमारे पास है, यानी कि समझो एक बुक्स है उसमें अकाउंट्स ओपन है, 100 अकाउंट्स ओपन है, उसमें हम पोस्ट कर रहे हैं रिलेवेंट अकाउंट, और फिर है ये भी डे टू डे। और फिर थर्ड स्टेप क्या है? प्रिपेयरिंग एन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, लेकिन कब? दैट इज मंथ एंड एंड ईयर एंड, है ये काम जो होगा थर्ड स्टेप जो है ये काम करने कौन होगा? मंथ एंड पे या और ईयर एंड पे भी है, 12 हर महीने भी होगा, जाहिर है 12th मंथ में हुआ तो ईयर एंड भी हो गया, ठीक है? तो ये तीन स्टेप हैं अभी जो आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी एडजस्टिंग एंट्रीज, प्रिपेयरिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरलाइजिंग पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग आफ्टर क्लोजिंग, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट थ्री स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, नंबर वन स्टेप, राइट? देखिए जनरलाइजिंग द ट्रांजेक्शन, जनरल जनरल, ठीक है? इसका मतलब आप समझो,
एंटरिंग द ट्रांजेक्शन डेटा इन द जनरल जर्नल इस कार इज नोन एज जर्नलाइज्ड। ठीक है, जर्नलाइजिंग क्या कहते हैं, एंटरिंग ट्रांजेक्शंस डेटा इन जनरल जर्नल नोन एज जर्नलाइजिंग। डे टू डे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपके, जितने ट्रांजेक्शन कंपनी के क्या हो रहे हैं भाई, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंसेस इनकर्ड, राइट, ये सब चीजें, या गुड्स परचेज, राइट राइट, तो ये सब चीजें जो होती हैं कंपनी की डे टू डे इनकर हो रही होती हैं, ये आपकी एंटरिंग द ट्रांजेक्शन डेटा इन द जनरल जनरल। ठीक है, एंटरिंग द ट्रांजेक्शन डेटा, ठीक है, क्या है, देखिए डे टू डे, ये भी डे टू डे, इसको भी ऐसे कर रहे हैं डे टू डे, राइट, इन जनरल जनरल इन। अब इसका मतलब देखो क्या, कंपनीज नॉर्मली मेक सेपरेट जनरल एंट्रीज फॉर ईच ट्रांजेक्शन, जर्नल्स आर रेफर टू ए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, तो क्या देखो, द जर्नल इज वेयर डबल एंट्री बुक कीपिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड बाई डेबिटिंग वन अकाउंट एंड वन आर मोर अकाउंट्स एंड क्रेडिटिंग अनदर वन आर मोर अकाउंट। ये है जर्नल एंट्री, क्या है, हम हर ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, ठीक है, डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू द शॉप एंड परचेज स्टेशनरी, आपने स्टेशनरी परचेज की, ठीक है, तो आपको बताया था कि जब आप एसेट इंक्रीज होगा, स्टेशनरी एसेट, राइट, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आप डबल एंट्री क्या करोगे, देखो जर्नल आई, जर्नल इज द वेयर डबल एंट्री बुक कीपिंग इज एंट्रीज आर रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग वन अकाउंट। ठीक है, देखो यू वेंट टू द शॉप एंड परचेज द स्टेशनरी, ठीक है, अब आप ऑफिस आ गए, ठीक है, स्टेशनरी और बिल हैंडओवर कर दिया आपने अकाउंटेंट को, ठीक है, ठीक है, आप सपोज यू आर डूइंग द आउटसाइड वर्क, ठीक है, आप अकाउंटेंट क्या करेगा, देखिए भाई स्टेशनरी परचेज की है कितने की, भाई 10,000, ठीक है, तो आप वो क्या करेंगे, स्टेशनरी इंक्रीज हो रही है, स्टेशनरी इज एन एसेट, ठीक है, और दूसरी तरफ कैश आपने पे किया, कैश इज आल्सो एसेट एंड दैट इज डिक्रीजिंग। है, आपको रूल बता दिया कि इफ एसेट इंक्रीजेस इट विल बी डेबिटेड एंड एसेट डिक्रीजेस विल बी क्रेडिटेड। ठीक है, यहाँ देखो अब आप क्या करोगे, स्टेशनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, ये आपने एंट्री कर दी डबल एंट्री, ठीक है, अब एक से ज्यादा भी हो सकता है, ये अभी आगे बताएंगे, ठीक है, तो ये आपकी एंट्री पास हो गई, ये जनरल एंट्री आपने पास कर दी, इसको कहते हैं जनरल एंट्री, और ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, ठीक, जनरल जनरल आर द रेफर टू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि ओरिजिनल, ठीक है, पहले ये काम करेंगे फिर आगे काम होगा, ठीक है, तो जनरल इज द वेयर डबल एंट्री बुक कीपिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग वन वन आर मोर अकाउंट्स एंड क्रेडिटिंग अनदर वन आर मोर अकाउंट विद द सेम टोटल, लेकिन इनका टोटल ये भी हो सकता है कि एक चीज हम परचेज कर रहे हैं, एक से ज्यादा अकाउंट में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, लेकिन टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, ये जरूरी है कि डेबिट का टोटल अगर 1,000 आ रहा है तो क्रेडिट का टोटल भी 1,000 आना चाहिए। ठीक है, टोटल अमाउंट डेबिटेड एंड टोटल अमाउंट क्रेडिटेड शुड ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है, देयर बाई, इससे क्या होगा, देखिए, देयर बाई इंश्योरिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन इज मेंटेन, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू द लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा, ठीक है, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द लाइबिलिटीज, ठीक है, प्लस कैपिटल, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए, यानी कि एसेट जो अगर डेबिट जो कर रहे हैं वही क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है, तो देखिए अब देखें इसका मैं आपको एक और, देखिए एक कंप्लीट एंट्री कंसिस्ट ऑफ, देखो एक कंप्लीट एंट्री क्या होगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, पहला क्या है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर वन, उसकी एक कंप्लीट एंट्री जो करेक्ट कब मानी जाएगी, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज, डेट पहले डाली कि भाई डेट कौन सी है, भाई दिसंबर फर्स्ट, चलो ओके, डेबिट एंड क्रेडिट, हमने कहा जैसे स्टेशनरी परचेज की तो हमने कहा
स्टेशनरी डेबिट और कैश क्रेडिट, अगर कैश पे लिया ठीक है दिए होगे। और देखो ये दूसरा स्टेप हो गया, पोस्टिंग पीआर, पोस्टिंग रेफरेंस, ठीक है, इट इज यूज्ड व्हेन जनरल एंट्री इज पोस्टेड। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, ये आपको एग्जामिनेशन में इसका यूज इतना नहीं होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। देखो क्या है पीआर, आपको बता रहे क्या, देखो पोस्टिंग रेफरेंस, पीआर का मतलब देखो पी फॉर पोस्टिंग, एक कॉलम होता है, इट इज यूज व्हेन जनरल एंट्री इज पोस्टेड टू द लेजर, जब जनरल एंट्री लेजर को पोस्ट की जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि इस जनरल एंट्री का एक कॉलम है पीआर, उसमें हमने डाला भाई जिस लेजर में पोस्ट किया है ना, जिस लेजर अकाउंट में, सपोज उसका नंबर है 101, तो वहां पर डेबिट में डाल दिया है, जैसे स्टेशनरी थी उसके डेबिट में डाल दिया, उसी रो में पीआर में 101, ये क्या शो कर रहा है कि ये एंट्री 101 में पोस्ट हो गई, ठीक है, ताकि फौरन अगर हम देखना चाहें तो हमें पता है कि 101 क्योंकि किताब है समझो, ठीक है, उसमें हम 101 पे जाएंगे तो ये एंट्री जब पोस्ट करेंगे तब ये आएगा, ठीक है। लेकिन इट इज यूज्ड व्हेन वी आर डूइंग द जॉब इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, एग्जामिनेशन में इसकी नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसको आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह। एंड फोर्थ स्टेप है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शन जो हुआ है ना उसकी एक एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, यानी कि क्या बताएंगे, जैसे हमने स्टेशनरी परचेज की तो हम कहेंगे स्टेशनरी परचेज ऑन कैश, ये बस एंट्री का ये नरेशन दे दिया, ठीक है, इसका मकसद ये भी पार्ट ऑफ द एंट्री है, ठीक है, ये एक नरेशन में दे दिया कि ताकि एक यूजर जो है ना अदर देन अकाउंटेंट्स वो इसको अगर पढ़े तो उसको समझ आ जाए फौरन कि भाई क्या है, ठीक है, कि परचेज की स्टेशनरी ऑन कैश, ठीक है, अगर अकाउंट होता तो लिखते थे ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, देखो ये जनरल एंट्री देखो एक मैंने पास करके दिखाई है, नेक्स्ट पेज पे और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, देखिए ये है, देखिए ओनर ने ना इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ठीक है, ओनर ने इन्वेस्ट में जो मालिक था उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, उस बिजनेस का नाम है एबीसी समझो, ठीक है, कंपनी का नाम है, तो हमने यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, देखो ये डेट दी है कि इस तारीख को इसने इन्वेस्ट किया 25 जून 2020 को, तो कैश इन्वेस्ट किया, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो कैश डेबिट, कैश इंक्रीज हुआ, और क्रेडिट क्या हुआ, एबीसी कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हो गया, कैपिटल बढ़ गया है, ओनर ने इन्वेस्ट, जब ओनर इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल पे इफेक्ट करेगा, कैपिटल उसका बढ़ गया, तो हमने कहा टू रिकॉर्ड ओनर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश इन टू द बिजनेस, क्योंकि एक नरेशन दे दिया उसमें, ये जनरल एंट्री का आस्पेक्ट है, ठीक है, इसमें हम यहाँ चूंकि एक एंट्री, तो यहाँ जब आप जनरल एंट्री पास करोगे तो यहाँ लिखोगे भी कि भाई जब जनरल एंट्री अभी हम आपको दिखाएंगे, वो जो क्वेश्चन मैंने सेंड किया कि यहाँ पर लिखेंगे हम कि भाई ए बी सी जैसे कंपनी का नाम है ए, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, जनरल एंट्री, और फिर ये काम ने कि भाई ये मंथ कौन सा है, दिसंबर, ये जून है, तो हमने यहाँ भी दे देंगे जून, ठीक है, इस तरह आप करोगे जून 2020, ठीक है, और डेट तो यहाँ पर नहीं लिखने की जरूरत है, डेट तो नीचे आ रही है क्योंकि, ठीक है, तो ये हमने आपको देखिए इस तरीके से ये जनरल एंट्री पास की जाती है, ठीक है, आई होप कि भाई अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ही शी इज वेलकम टू आस्क, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है, इस तरह जनरल एंट्री पास करने की, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट, अब आपको समझना है कि भाई किसको डेबिट करना है, किसको एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, और आपको बताया था कि ओनर्स कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होगा तो देखो दोनों चीजें इंक्रीज हो रही, लेकिन कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट किया जाएगा, और कैश और एसेट्स इंक्रीज होगा, एनी एसेट विल बी डेबिटेड, और ये हमने दे दिया, और ये पीआर का मैंने बताया था कि यूज यहाँ पर हम प्रैक्टिकली तो होगा, लेकिन आपको एग्जामिनेशन, जैसे हमने इसको फर्स्ट करो पोस्ट किया ना, उसका नंबर था 101, जब पोस्ट करेंगे तो यहाँ पर डाल देंगे, देखो यहाँ इनपुट कर देंगे 101, ठीक है, और 101 सपोज, ठीक है, और कैपिटल का अकाउंट कोड था, फर्ज करो सपोज वहाँ पर कंपनी ने अलॉट किया हुआ है कैपिटल को, उसका कैपिटल का कोड, ठीक है, वो अलॉट किया हुआ है, सपोज कि भाई
210, ठीक है, ये कोड बता देगा कि भाई ये ट्रांजेक्शन अब पोस्ट हो गया, किसमें हो गया, कै 101 में और ए 210 में, ठीक है, समझो ये पेज खुले हुए हैं, पेज 1 पेज 2 इसी तरीके से अकाउंट्स के, बल्कि ये अकाउंट जो टाइटल ऑफ अकाउंट्स है ना उसके ऊपर ये 1 2 3 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया, और उसका क्या नाम है कि किस अकाउंट में ये पोस्ट हुआ, ठीक है, तो ये चला गया वहां पर, ठीक है। अच्छा अब देखिए जर्नल एंट्री के बाद हम आ जाते हैं सेकंड स्टेप, देखिए पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल जर्नल टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट, है यही बात है, देखो ये जो अब हम पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि किसको पोस्ट करना है, ये 26 25 25 जून 2020 की एंट्री अब पोस्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, कैश डेबिट हो रहा है और एबीसी, अब क्या करोगे, यहां से कैश डेबिट हो रहा है, हम एक ओपन करेंगे, एक हमारे पास लेजर में कैश अकाउंट है, यानी कि समझो एक टी अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, उसमें डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा, और एक एबीसी कैपिटल का भी अकाउंट होगा, ठीक है, तो देखो ये देखिए पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल जर्नल टू रिस्पेक्टिव, है रिस्पेक्टिव का वर्ड इसलिए कि जिस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट्स में पोस्ट हो रहा है, ठीक है, लेजर जनरल लेजर में तो हजार अकाउंट्स हो सकते हैं, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में ट्रांसफरिंग, इसका क्या मतलब है, देखो ट्रांसफरिंग जनरल एंट्रीज फ्रॉम द जनरल जनरल टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग, ठीक है, क्या करें, ट्रांसफरिंग द जनरल एंट्रीज फ्रॉम द जनरल जनरल टू द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट इज कॉल्ड द पोस्टिंग, इसका मतलब हम इसके डेबिट क्रेडिट दोनों को ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड इन द पोस्टिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन, अब ये स्टेप समझना आपने, ठीक है, पोस्टिंग देखो क्या है कि हमने वहां से यहाँ, अब ये देखो यहाँ समझो यहाँ पर अभी हम पोस्टिंग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर कोई चीज नंबर वंबर नहीं पड़े हुए, ठीक है, अब हमने कहा कि अब पोस्ट करना है, ठीक है, जनरल जनरल पिक किया, कैश डेबिट, अब समझो दूसरा आदमी कर रहा है, कैश डेबिट, अच्छा कैश डेबिट, ठीक है, पोस्टिंग उसने की, उसने कहा भाई कैश अकाउंट, कैश का जो लेजर है ना उसमें तो अकाउंट का नंबर है 101, है तो 101 हमने, ठीक है, और एबीसी और में जो था हमने बताया था जैसे है कि 210 समझ लो, ठीक है, ये पोस्ट किया और इसको हम आ गए, अब ये स्टेप पे देखो क्या स्टेप है, देखिए डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ ए ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जनरल जनरल एंटर्ड इन द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट, क्या करेंगे कि लेजर अकाउंट में हम जाएंगे कैश में डेबिट कर देंगे, है नहीं, 9,000 है ना, 90,000, ठीक है, देखो अब हमने क्या पहला स्टेप किया, फौरन कैश में डेबिट किया 90,000, ठीक है, और उसमें डाल दिया नंबर, इसका कैश अकाउंट का नंबर था 101, वहां पर जनरल एंट्री में 101 लिखिए, फ्रॉम द जनरल आई एंटर्ड इन द रिस्पेक्टिव लेजर, ठीक है, अब हमने डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज, और क्रेडिट एंट्रीज को हमने कैपिटल अकाउंट जो ओपन था लेजर में उसमें क्रेडिट किया, और उसमें भी जो कैपिटल का नंबर था, कैपिटल अकाउंट का जो नंबर था 210, वो यहाँ पर इनपुट कर दिया 210, ठीक है, 210, इसका मतलब अब ये देखेंगे ना कोई भी वो किताब उठाएगा तो फौरन, ठीक है, या फिर चाहे कंप्यूटर है बेस्ड है जैसे प्रेजेंटली उसको पता हो गया कि पोस्ट हो गई डेट, ये डेटा इसने पोस्ट कर दिया, यहाँ तक पोस्ट कर दिया, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है समझो किताब, 1 2 डेट वाइज ये चल रहा है, जैसे 1 जनवरी से ये दिसंबर 31 तक ये जनरल एंट्री चल रही होगी, है सीक्वेंशियल ऑर्डर में विदाउट एनी गैप, फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज पे, तो बुक है समझो 500 पेज की, है कॉपी है आपके पास, रजिस्टर है उसमें पोस्टिंग हो रही है, ये पोस्ट करता जा रहा है समझो, ये मैनुअली इस तरह हो रहा था, अब ये कंप्यूटर पे इस तरह रजिस्टर खुला हुआ होगा, ठीक है, जहां तक पोस्ट कर दिया उसने, तो ये देखिए पोस्ट कर दिया उसने, ठीक है, देखिए डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ ए ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जनरल आर एंटर्ड इन द रिस्पेक्टिव लेजर, डेट एंड पेज नंबर ऑफ ए ट्रांजेक्शन फ्रॉम द जनरल आर एंटर्ड इन द, जनरल जनरल में पेज नंबर चल रहे हैं, पेज 1 पेज 2 पेज 3 कंटिन्यू चल रहा है ना, किताब है रजिस्टर है, तो उसमें क्या यहाँ पर जब पोस्ट किया तो डेट एंड पेज नंबर ऑफ ए ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन की डेट थी ना वो डेट यहाँ पर लेजर में डाली,
पेज नंबर भी डाल दिया, ठीक है, एंटर इन द रिस्पेक्टिव लेजर, और फिर अमाउंट लिख दिया उसका, कैश है, कैश में भाई डेट क्या है भाई, है डेट थी इसकी 25/6, ये 25/6 डाली और अमाउंट डेबिट कर दिया कैश में, ठीक है। पेज नंबर जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जरूरी है, लेकिन थ्योरेटिकली इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। फिर इन ईच ट्रांजेक्शन एंट्री इन जनरल द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट नंबर इन विच इट इज पोस्टेड इज ऑल्सो रिटर्न। देखो ये अभी मैंने बताया था ना, इन द ईच ट्रांजेक्शन एंट्री इन द जनरल जब पोस्ट किया तो दी रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट का जो नंबर था ना 101, वो वहां पर डाल दिया, इनपुट कर दिया जनरल जनरल में, ठीक है। इन विच इट इज पोस्टेड, ठीक है, इज ऑल्सो रिटर्न इन द पी आर कॉलम ऑफ द जनरल जनरल, जो मैंने अभी बता दिया। एट पीरियड एंड, ये काम हो रहा है डे टू डे, पीरियड एंड मतलब मंथ एंड द या ईयर एंड, द बैलेंसिंग फिगर ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज मेड। आप मंथ एंड पे इसकी बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, है बैलेंसिंग फिगर से क्या मुराद भाई, कैश अकाउंट है फॉर एग्जांपल, उसमें डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है, डेबिट भी हो रहा है क्रेडिट भी हो रहा है, यानी डेबिट हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है कैश, क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली मंथ एंड पे हमने बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया, टोटल सब डेबिट का और टोटल क्रेडिट का टोटल किया, ठीक है। अब देखा कि डेबिट कॉलम में तो आ रहा है 10,000 रुपये, ठीक है सपोज, और क्रेडिट कॉलम का जो टोटल किया तो उसमें आया 9,000 रुपये। इसका मतलब कैश का बैलेंस कितना रह गया, 10,000 माइनस 9,000 इज इक्वल टू 1,000। इसका मतलब हमारे पास अब कैश 1,000 बच गए, ठीक है। इसको कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर ऑफ द ईच अकाउंट इज मेड मंथ एंड। हमने कहा मंथ एंड में, यानी कि अगर ये जून का महीना था तो 30 जून को हमारे पास कैश बैलेंस कितना बच गया, 1,000 रुपये, ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश हो गया, ठीक है। डेबिट बैलेंस आएगा यहाँ पर, याद रखो जब एसेट होगा तो डेबिट बैलेंस हमेशा आएगा, ठीक है। क्यों डेबिट आएगा भाई, हमारे पास जितना कैश होगा हम उससे ज्यादा तो नहीं पे कर सकते ना, जाहिर है अगर हमारे पास तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एसेट अकाउंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। और इसी तरह लेजर कैपिटल अकाउंट जो होगा, वो जो दूसरा अकाउंट है उसमें क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है, ठीक है, इसी तरह उसमें भी निकालेंगे, टोटल डेबिट और क्रेडिट को टोटल करेंगे, फिर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा इसलिए क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, पोस्टिंग इनटू द लेजर। और ये देखिए, ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दे, ये देखिए ये वही ट्रांजेक्शन की, देखो आपको स्केच भी दिया, लेजर अकाउंट्स, देखो 25 जून, देखो कैश में, देखो डेट मैंने कहा था डेट डाली, ठीक है, पेज नंबर की जरूरत नहीं है यहाँ, प्रैक्टिकली यहाँ पेज नंबर भी आ गया, ठीक है, 90,000, ठीक है, क्योंकि पेज नंबर किसी जरूरत नहीं, कि वो वहाँ पर हम कोई बुक तो नहीं मेंटेन कर रहे हैं ना कि पेज नंबर आएगा, हम तो एग्जाम में जैसे बैठे हुए, डेट होगी जरूर। तो देखिए 90,000, ये देखो डेबिट और ये क्रेडिट हुआ, वही 26/6, ठीक है, ये डेट डाले और 90,000, इस तरह ये देखो जर्नल आपका लेजर उस ट्रांजेक्शन का, ये थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ एनी कन्फ्यूजन प्लीज आस्क मी, ठीक है। आप ये याद रखो, एक चीज जहन से निकाल लो, देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप के आपको अकाउंटिंग जो पढ़ाई जा रही है वो ए बी सी से अलिफ बे से, ठीक है, पहले से किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी को कोई कुछ बैकग्राउंड है, किसी को नहीं है, ठीक है, तो जिसको बैकग्राउंड नहीं है तो वो वरी ना हो, ठीक है, सबको इक्वल चांसेस हैं, इफ दे वांट टू लर्न द अकाउंटिंग तो दे कैन इजीली लर्न इट, ठीक, उसमें पिछला बैकग्राउंड नहीं है। अच्छी चीज है कि अब नाउ यू आर फोकसिंग इन द क्लास फुली, ठीक है, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे, पहले से आपके पास जीरो बैकग्राउंड है, यू कैन अंडरस्टैंड 100%, बिलीव मी 100% यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। हेलो सर, आपको क्लास में आना है ये सोच के आना है कि मुझे आई विल लर्न द सब्जेक्ट, ये नहीं सोचो कि आई विल पास द सब्जेक्ट, नो, आई विल लर्न द सब्जेक्ट। अगर आपकी ये सोच होगी तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट थ्रू, याद रखो, है, अगर इस सोच से बैठे हो ना, कोई भी क्लास है, कोई भी सब्जेक्ट है, आपका फोकस होना चाहिए टू लर्न द सब्जेक्ट फुली। तो जो आपका एम है ना टू गेट थ्रू,
ऑटोमेटिकली यू विल गेट थ्रू। अगर आपने ये सोच से बैठे हुए हो कि मैंने इस सब्जेक्ट को लर्न करना, कि लर्न करने की ये सोच है ना, तो फिर आप फेल नहीं हो सकते एग्जाम में, ये बता दूं मैं। हाँ भाई, आप कुछ पूछ रहे थे। सर इसमें ना मतलब बोलो भाई। सर इसमें गेन और लॉस को नहीं देखा जाएगा, इसमें बस जो मनी जो डेबिट में थी वो क्रेडिट में हो जाएगी, हाँ, बस इसमें मनी लॉस ट्रांसफर गेन करनी है थोड़ी, उसी देखो पे। लॉस गेन का तो स्टेप अलग है ना, वो तो इनकम स्टेटमेंट बनेगी उसमें, इसमें कोई लॉस गेन का चक्कर नहीं ना है। एंट्री के अंदर लॉस तो हम निकालते हैं कि ओवरऑल लॉस कितना आया, गेन कितना हुआ, यानी कि प्रॉफिट की बात कर रहे हो ना, वो तो इस एंट्री में तो हमने देखना है। लेकिन आपको ठीक है, अच्छा आगे चलो। आगे अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत लेट आए हो। सर ये लेजर के कितने टाइप होते हैं सर? ए, क्या कह रहे हो। लेजर के टाइप सर? चलो अच्छा, आप देखिए नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप जो मैंने बताया था आज पढ़ाएंगे, फिर हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीपेयरिंग एन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, थर्ड स्टेप। देखो ये फर्स्ट टू याद रखो, फर्स्ट टू स्टेप थे डेली बेसिस पे, अब ये मंथली होगा, मंथ एंड पे होगा ये काम, ठीक है। यानी कि अगर जून का महीना है तो ये काम हम करेंगे 30 जून को काम हो रहा है, समझे ना, राइट। तो क्या देखो, ए ट्रायल बैलेंस इज प्रूफ ऑफ द इक्विलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर्स अकाउंट है। इसको क्यों बनाया जाता है, कि ये एक तरह से प्रूव होता है कि हमने जब पोस्टिंग करेंगे ना लेजर अकाउंट के सारे बैलेंसेस को यहाँ पोस्ट करेंगे है, और देखेंगे फिर टोटल करेंगे। टोटल देखो, डेबिट और क्रेडिट बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब पोस्ट हमारी पोस्टिंग जो है ना, और जर्नल एंट्री और पोस्टिंग सही हुई है। देखो, ट्रायल बैलेंस इज द प्रूफ ऑफ इक्विलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ द लेजर्स अकाउंट। दी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट ऑल ऑफ द बैलेंसिंग फिगर। देखो क्या कह रहा है, ठीक है, आपके बुक्स में लेजर अकाउंट कितने खुले हुए, 100 फर्ज करो, 100, तो आप क्या करोगे, द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट्स ऑल ऑफ द बैलेंसिंग फिगर इन द लेजर, इन द जनरल लेजर्स बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन मेड एंड पोस्टेड। एडजस्टिंग एंट्री को बनाने से पहले हम ये चीज बनाएंगे है, बैलेंसिंग फिगर को, जो चीज डेबिट, जैसे कैश का बैलेंस डेबिट लिख दिया, अकाउंट सेल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, इस तरह ये सारी एंट्री करने के बाद टोटल करेंगे, किसको, डेबिट कॉलम के सारे टोटल कर दिए, क्रेडिट कॉलम को भी टोटल कर दिया, और फिर देखा अगर डेबिट में आ रहा है फर्ज करो 9,52,000, क्रेडिट में भी यही आना चाहिए 9,52,000, इसका मतलब हमारी बुक सही है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज ए टू कॉलम शेड्यूल, क्या है ट्रायल बैलेंस, देखो ये ट्रायल बैलेंस भी समझा रहे हैं, इज ए टू कॉलम शेड्यूल लिस्टिंग द नेम्स एंड बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द ऑर्डर इन विच दे अपियर इन द लेजर, जिस ऑर्डर में ये अपियर हो रहा है लेजर में, पूरे ऑर्डर में सब लिखा है, इन मेकिंग ट्रायल बैलेंस। लेकिन लेकिन ये भी याद रखो एक थोड़ा सा, देखो इन मेकिंग ट्रायल बैलेंस नॉर्मली बैलेंस बैलेंस शीट आइटम्स आर शोन फर्स्ट, क्या कह रहा है ये एक तरीका होता है ना, एक चीज क्या, हर चीज का एक सिस्टम होता है, ठीक है, एक खूबसूरती होती है उसकी, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में पहले बैलेंस शीट के आइटम्स लिखे जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट, इसका मतलब बैलेंस शीट के आइटम्स का मतलब एसेट्स लिख दिया, फिक्स करंट एसेट्स, भी फिक्स एसेट्स, फिर लाइबिलिटीज, फिर कैपिटल, ये आपके क्या नाम है बैलेंस शीट के आइटम्स आ गए। फिर उसके बाद हमने लिखा इनकम स्टेटमेंट आया था, भाई सेल एक्सपेंसेस ये सब लिख दिए, ठीक है, ये सारे आ गए आपके सेल्स एक्सपेंसेस, और फिर टोटल कर दिए सबको। ये कहने का मकसद है, इन मेकिंग ट्रायल बैलेंस नॉर्मली बैलेंस शीट आइटम्स आर शोन फर्स्ट, देन आफ्टरवर्ड्स इनकम स्टेटमेंट्स आइटम्स आर शोन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे चले, द डेबिट बैलेंस आर लिस्टेड इन द लेफ्ट हैंड साइड, फिर बताया आपको डेबिट बैलेंस आर लिस्टेड इन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, हैंड डबल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड कॉलम एंड क्रेडिट बैलेंसेस इन द राइट हैंड साइड कॉलम, राइट हैंड साइड कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कहने का मकसद है जो
डेबिट साइड है, जो डेबिट बैलेंस होगा जिस जिसका, उसको हम उसको जैसे कैश हमने लिखा और उसको डेबिट साइड में उसका कॉल, क्योंकि डेबिट लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, ये कोई, और क्रेडिट को राइट हैंड साइड पे लिख दिया। ये प्राइमरी पर्पस ऑफ, देखो क्या है प्राइमरी पर्पस, यानी कि मेन पर्पस, ये सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इज टू प्रूव द मैथमेटिकल इक्वलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन बिफोर पासिंग द एडजस्टिंग एंट्रीज एंड मेकिंग द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, आपको बताया ना, एसेट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और लाइबिलिटीज और कैपिटल ऑन द राइट हैंड साइड, तो ये बराबर होने चाहिए। अगर एसेट्स का टोटल आ रहा है 9,10,000, तो क्रेडिट साइड का भी टोटल आना चाहिए 9,10,000, जिसके अंदर लाइबिलिटीज और कैपिटल होगा, ठीक है। तो ये है मैथमेटिकल इक्वलिटी, ठीक है। इस ट्रायल बैलेंस का मकसद सिर्फ ये, इस ट्रायल बैलेंस से, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से वी कैन नॉट प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, वी विल नेवर प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ इसका मकसद है टू चेक द मैथमेटिकल इक्वलिटी, ठीक है, कि हमारी बुक्स टैली है, डेबिट क्रेडिट बराबर है, बस ये चेक करना है, इससे पहले कि हम मजीद आगे काम करें, एडजस्टिंग एंट्री पास करें, पहले ये चेक कर लो कि बुक हमारी ठीक है, ठीक है, ये है आपका मकसद इसका, ठीक है। तो ये देखिए, अब नेक्स्ट चले, ये देखिए, ये तो आपको ट्रायल बैलेंस दिखाई, इस तरह की, देखो ट्रायल बैलेंस ए बी, इस तरह बनाओगे आप ट्रायल बैलेंस, ठीक है, राइट, समझो अनएडजस्टेड, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ए बी सी कंपनी का नाम एज ऑन 31st, जैसे फर्ज करो ये 31 दिसंबर की बना रहे हैं, ठीक है, 31 दिसंबर की, तो 31 दिसंबर, 31st दिसंबर, 31st 12 एंड 2020, देखो ये देखिए, आपको बताया था ना कि ये सब बैलेंसेस कहाँ से आ रहे हैं, ये लेजर से उठा रहे हैं हम फिगर, ट्रायल बैलेंस में लेजर, हमने बैलेंसिंग फिगर उनकी क्या किया, देखो कैश वहां पर पहले देखो, और ये भी बताया था आपको कि बैलेंस शीट आइटम्स पहले शो किए जाते हैं, इसीलिए देखो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, प्रीपेड रेंट, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट, अब देखो अब ये फिक्स, अब लाइबिलिटी शुरू हो गई, एसेट समझो खत्म हो गए, अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी, एबीसी कैपिटल, अब ये कैपिटल आ गया, ठीक है, अब देखो अब बैलेंस शीट के आइटम खत्म हो गए, अब देखो सेल, अब देखो इस इनकम स्टेटमेंट शुरू हो गई, इसमें गैप नहीं देना, ठीक, एक्सपेंसेस आ गए सर, इनकम स्टेटमेंट में तो सेल होती है और एक्सपेंसेस होते हैं, तो देखो ये सपोज तीन एक्सपेंसेस थे, सैलरीज, वेजेस एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन, अब भी इसको टोटल किया, फॉरन टोटल किया, देखा कि भाई डेबिट क्रेडिट बराबर है, तो देखा टोटल, इन सब का टोटल बराबर आना चाहिए, देखा भाई 1550, 1550, ठीक है। तो ये आपको बताने का मकसद है कि ये थर्ड स्टेप पे किस तरह किया, कैसे किया, ठीक है, सही है, क्लियर हो गया सबको, बोले यस सर, क्या कह रहे हो, अच्छा, आप तो फिक्र नहीं करें, आप हैं, आप रोए नहीं, क्यों रो क्यों नहीं, आप देखिए सैलरीज एंड वेजेस, बस ये एक एक्सपेंस है ना वर्कर्स की, जो जो सैलरी वगैरह है उसको हम सैलरी एंड वेजेस कहते हैं, तो जो वर्कर्स को हमने पेमेंट की, ठीक है, उसका नाम हमने दे दिया सैलरीज एंड वेजेस, वेजेस एक्सपेंस भी कह सकते थे इसको, ठीक है, तो ये उसमें हमने जो तनख्वाहें दे रहे हैं ना वर्कर्स को, ऑफिसर्स को समझो, वो ये है सैलरीज एंड वेजेस, ठीक है, उसमें जो जब भी पे हम सैलरी एक्सपेंस होंगे तो हम इसमें डेबिट करेंगे भाई सैलरी एक्सपेंस में। और यूटिलिटी क्या है, ये वो एक्सपेंस है, जैसे यूटिलिटी का मतलब गैस एक्सपेंसेस, वाटर, टेलीफोनिक, और क्या हो सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इसकी ये एक ब्रॉड टर्म्स है यूटिलिटीज एक्सपेंस, इसका मतलब अगर अगर किसी कंपनी ने ये एक्सपेंस ओपन किया हुआ है तो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो, गैस हो, वाटर हो, टेलीफोनिक हो, सब इसमें डेबिट हो रहा होगा यूटिलिटीज एक्सपेंस, ठीक है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस,
एक कंपनी का जो डेप्रिसिएशन है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, बहरहाल ये डेप्रिसिएशन होता है कि आप एक फिक्स एसेट जब लेते हो ना, तो उसकी कॉस्ट को जब हम एलोकेट करते हैं ना, जैसे एक एसेट हमने लिया 1 लाख रुपए का, कोई एसेट है फिक्स एसेट से जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, अमूमन फिक्स एसेट्स की लाइफ कम से कम 5 साल होती है, ठीक है, तो हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं, यानी कि उसकी कॉस्ट को एलोकेट कर रहे होते हैं, वो एसेट है लेकिन डेप्रिशिएट कर रहे हैं कि इसकी लाइफ हमने कहा 1 लाख रुपए का है, 10 साल लाइफ है, तो 1 साल अगर हम स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है तो साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया भाई, 10 हजार, तो 10 हजार 10 हजार हम ये एक्सपेंस चार्ज करते रहेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000, फिर दूसरा में साल आएगा तो फिर 10,000, फिर 10,000, इस तरह ये कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी, 10 साल के बाद एसेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम असलम। सर मैंने पूछना था कि ये डेबिट में जो 170 अमाउंट है, ये कौन सी अमाउंट है? सर कौन सी अमाउंट? डेबिट के अंदर 170 अमाउंट, डेबिट एक में अकाउंट रिसीवेबल का पूछ रहे हैं आप मेरे ख्याल? पेबल जी का, जी देखो अकाउंट रिसीवेबल पेबल जो बिल्कुल। है ये तो लायबिलिटी है ना, अकाउंट्स पेबल है, वेजिस पेबल, ठीक है, तो ये तो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस में आता है, इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है, जब भी लेजर से निकलेगा तो क्रेडिट ही बैलेंस आएगा, क्रेडिट में तो लिखा हुआ है अकाउंट्स पेबल कि दिस मींस के वी हैव टू पे, लायबिलिटी का मतलब है इन आफ्टर सम टाइम कंपनी को ये पे करना है, अकाउंट्स पेबल का मतलब होता है कि अगर हम कोई परचेज करेंगे ना, गुड्स परचेज करें क्रेडिट पे, उधार है, कंपनी ने गुड्स परचेज किया यानी कि इन्वेंट्री समझो परचेज की उधार, तो उसको डेबिट करेंगे इन्वेंट्री, और क्रेडिट किसको करेंगे, अकाउंट्स पेबल, ये है, इस तरह अकाउंट्स पेबल अराइज होता है, ठीक है, लायबिलिटी यही ओब्लिगेशन है कि हमने परचेज किया लेकिन पे नहीं किया, तो क्या एंट्री हुई, इन्वेंट्री डेबिट या गुड्स या परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, जब पे करेंगे तो फिर अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, अब क्लियर हो गई बात, जी सर बिल्कुल हो गई। ठीक है, तो देखिए ये 3 स्टेप मैंने आपको बताया कि भाई हमने आज जो हम कर रहे हैं, ठीक है, इसको 3 स्टेप को आपने अच्छी तरह समझना है, तो अब मैंने आपको याद है कि आपको क्वेश्चन सेंड किया है, ठीक है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट ले लेगा आपको, वो क्वेश्चन आप निकालिए, इससे पहले कि मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं, आप लोग ये 3 स्टेप समझ गए अच्छी तरह, ठीक है, तो यस सर। अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो मैंने कल सेंड किया था भाई, सीआर द्वारा है, सब ग्रुप में भी भेज दिया था, ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको शेयर कर रहा हूँ, जी सर मिल गया था क्वेश्चन। शेयर भी मैं कर रहा हूँ, और ये मैंने आपको सेंड भी किया हुआ है, ठीक है, तो ये न्यू शेयर, ये देखिए अब ये क्वेश्चन इसी 3 स्टेप से ताल्लुक है इसका, देखिए देखो यहाँ ऊपर लिख भी दिया क्वेश्चन पे, देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको जो मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ है, ये आपने इसका प्रिंट आउट निकाल के रखना है आपके पास, फाइल बना लो आप, ठीक है, ये मैं इसको ईमेल भी करूंगा मैं आज, ठीक है, सीआरस को, और आप लोग कोशिश करो कि जो भी मैं मटेरियल आपको सेंड करूं वो सिर्फ मोबाइल की हद तक नहीं रखो, वो आप उसका प्रिंट आउट लो, अपनी फाइल में लगाओ, उसका क्वेश्चन भी उसका आंसर भी, ठीक है, फाइल करो उसको ताकि आप फिर बाद में पढ़ सको आप, ठीक है, एक ले आपकी एक समझो पूरी बुक बन जाएगी अकाउंटिंग के ऊपर, ठीक है, मटेरियल भी दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आंसर भी दे रहा हूँ उसका, तो ये क्वेश्चन पढ़ो और देखो इस पे लिखा हुआ है टॉपिक, जो क्वेश्चन होगा तो उस पर ये एग्जाम में तो ये टॉपिक तो नहीं लिखा होगा लेकिन ये आपकी असिस्टेंट्स के लिए दिया हुआ है, टॉपिक्स कवरिंग यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज, पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपेरेशन ऑफ अनएडजस्टेड टैलियंस, यही रिक्वायरमेंट होगी आपकी, देखो ये आपको दिया हुआ है, फॉलोइंग स्पेसिफिक जनरल लेजर अकाउंट्स ऑफ जे कंसल्टिंग फर्म है, ये एक जुनैद जमशेद कंसल्टिंग फर्म है समझो, ठीक है, उसका ये कह रहे हैं कि
आपके ऊपर फॉलोइंग स्पेसिफिक जनरल लेजर अकाउंट्स ऑफ, ये बताया कि ये उसके अकाउंट्स में ये कुछ इसने ये अकाउंट्स खोले हुए हैं अपने लेजर में, ठीक है। उसका नाम भी आपको पहले से दे दिया कि इसमें ये अक्सर ये दिया जाता है, जनरल एंट्री जो आपसे मांगी जाती है तो आपको जो अकाउंट्स ओपन होते हैं वो भी दे दिया जाता है ताकि आप इसी में से सिलेक्ट करो, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं सिलेक्ट करो, ठीक है। अगर नहीं दिए फिर आप सोच के सिलेक्ट करो, ठीक है। तो क्या देखो क्या है, कह रहा है कि जनरल स्पेसिफिक लेजर फॉलोइंग स्पेसिफिक जनरल लेजर अकाउंट्स ऑफ जे जे कंसल्टिंग फर्म, ठीक है। तो ये देखिए ये जुनैद जमशेद जो था ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इसकी जितनी भी फारूक टेक्सटाइल से कपड़े वपड़े ले जाता था, इसकी सारी वर्किंग में ही करता था, ही वॉज वेरी नाइस पर्सन। तो देखिए आप देखें कैश अकाउंट रिसीवेबल एनर्जी चार्जेस ऑफिस सप्लाइज व्हीकल्स प्रीपेड रेंट सैलरीज एक्सपेंस कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न नोट्स पेबल अनअर्न कंसल्टिंग रेवेन्यू जे जे कैपिटल रेंट एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। इसका मतलब जो भी आप डेबिट क्रेडिट होगा इन्हीं में से किसी में डेबिट क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है। अब आपने देखना है कि किसमें मैं डेबिट करूँ किसमें। पहला ट्रांजेक्शन देखिए, कंपनी इंगेज इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2020, ठीक है। ये मैं इसको करेक्ट कर लूँ 2020, ठीक है 2020। देखिए फर्स्ट, पहला ये सीरियल नंबर है और ये दिसंबर है, फर्स्ट है, ठीक है। ओनर डिपॉजिटेड कैश इनटू द बिजनेस 90 लाख, क्या कह रहे हैं, मालिक ने 9 लाख रुपए बिजनेस में जमा करा दिए, बिजनेस में ले आए, ठीक है अपने। तो आप बताओ क्या एंट्री होगी भाई, बताओ क्या एंट्री होगी सर, कैश डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। ऐसे क्या करोगे, कैश डेबिट, देखो कैश भी देखो यहाँ पर आपके असिस्टेंट के लिए देखो आपने सिलेक्ट भी कर, देखो पता है कि कैश डेबिट है और जे जे कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। ये लिखोगे आप, क्रेडिट किसको करोगे, कैपिटल सिर्फ नहीं लिखोगे, जे जे कैपिटल, ठीक है क्रेडिट, ठीक है ये एंट्री होगी। अच्छा फिर नरेशन भी देंगे, क्या नरेशन देनी चाहिए, ओनर डिपॉजिट कैश इनटू बिजनेस, बिजनेस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए तो ये हमने लिया देखिए फाइल में शेयर किया यहां पर आपको, देखिए फाइल शेयर हो रही है, ये ब्लैक ब्लैक आया मैं, आप ब्लैक मैंने खुद किया ना, अभी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ाता जाऊंगा तो वो मैं फिर उसको अनब्लैक कर दूंगा। देखिए पहला ट्रांजेक्शन हुआ, देखो ये देखिए आप जनरल एंट्री पोस्ट हो रही है, ठीक है। अब हम पोस्टिंग कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को, देखिए जे जे कंसल्टिंग फर्म कंपनी का नाम, जनरल एंट्रीज जनरल जनरल है ऊपर हेडिंग में यही दोगे, मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है मंथ दिसंबर 2020, ठीक है ये 31st नहीं आएगा, दिसंबर पूरे महीने की है ना, तो बस दिसंबर है, मंथ कौन सा है दिसंबर 2020, ठीक है। देखिए फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट एंट्री पास की, देखो कैश डेबिट, देखो ये डेट डाली सीरियल नंबर दिसंबर फर्स्ट, कैश डेबिट जे जे कैपिटल क्रेडिट और लिखा ओनर डिपॉजिटेड कैश इनटू द बिजनेस, है इनटू द बिजनेस, ये नरेशन दे दी शॉर्ट से, ये देनी जरूरी है, ठीक है इनटू द बिजनेस, ठीक है। और देखिए और एक चीज और नोट करने की, इसमें कोई और चीज आपको नोट हो रही है, ये ट्रेडिशनल है, क्या है, जब क्रेडिट करोगे ना जो अकाउंट को तो थोड़ी सी स्पेस दे दोगे, मतलब ये एक ट्रेडिशन है अकाउंटिंग की, ये गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर आप स्पेस नहीं दोगे, जे जे कैपिटल लिखा तो हमने थोड़ा सा स्पेस दे दिया क्योंकि इट इज द ट्रेडिशन इन अकाउंट्स,
इन अकाउंटिंग एक ट्रेडिशन है जब क्रेडिट को थोड़ा सा स्पेस देके लिखो, बिल्कुल कैश के नीचे नहीं लिखो। इसको हम यूं भी लिख सकते थे ना, देखो ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन को भी फॉलो करना ना, एक उसकी बिजनेस की ट्रेडिशन है। यूं नहीं लिखेंगे, बल्कि हमने क्या किया, आपको सब चीज बता रहे हैं कि ये देखो थोड़ा सा गैप, जरा सा गैप दे दिया क्रेडिट वाले, ये ट्रेडिशन है। इफ यू राइट, इफ यू डू नॉट गैप क्वेश्चन यू विल बी इवन करेक्ट, सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन एक ट्रेडिशन को फॉलो करोगे तो उसकी एक ब्यूटी रहती है। तो ये आपके पास हो गया, पहला ट्रांजेक्शन आपने एंटर कर दिया, ठीक है। और देखो सीरियल नंबर, यहाँ डेट का कॉलम जरूर होगा, फिर पर्टिकुलर्स का मतलब, यहाँ टाइटल ऑफ अकाउंट्स भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स की जगह टाइटल ऑफ अकाउंट, ठीक है। डेबिट, चूंकि कैश रुपीज था तो रुपीज होगा, डॉलर्स होगा तो डॉलर लिखोगे, देखो डेबिट का कॉलम, और ये नरेशन दे दी, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन वन हो गया। अब हम देखे यहाँ, देखो एक थोड़ा सा डॉट भी दे दिया, चलो अगर और के भाई वो सेपरेट कर दिया इसको, ठीक है। अब हम आ गए सेकंड पे आए, ठीक है, वापस क्वेश्चन पे गए, ठीक है। तो फिर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ दोबारा, जल्दी जल्दी चलो, देखिए क्वेश्चन आपके पास होना भी चाहिए। देखिए कोई टू दिसंबर सेकंड, सीरियल नंबर टू है, दिसंबर सेकंड है, पेड एडवांस फॉर ऑफिस बिल्डिंग रेंट। क्या कह रहा है, पेड एडवांस फॉर ऑफिस बिल्डिंग रेंट, क्या मतलब हुआ, कंपनी ने एडवांस में रेंट पे कर दिया, एडवांस में, ठीक है। इसका मतलब ये दिसंबर दो को पे कर रहा है, ये पूरे दिसंबर का ये रेंट है, ठीक है, एडवांस में पे कर दिया, राइट। तो आप बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए भाई, सर रेंट रिसीवेबल डेबिट होगा, क्या क्या होगा, रेंट रिसीवेबल डेबिट होगा। देखो रेंट एडवांस में, जब एक्सपेंस है ना रेंट, और एडवांस में पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये प्रीपेड रेंट है, एसेट कहलाएगा अभी ये, है अभी ये एक्सपेंस नहीं हुआ, एडवांस में हमने पहली दूसरी को पे कर रहे हैं, पूरे महीने का है ना, तो हम क्या करेंगे, डेबिट होगा, और रेंट एक्सपेंस डेबिट होगा सर, प्रीपेड रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। ये एसिड है, 31 तारीख को ये एक्सपेंस में चला जाएगा, फिर दोबारा एंट्री पास करेंगे, वो एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एंट्री पास की दिसंबर 2 में, लिखा हुआ बिल्कुल पेड एडवांस फॉर ऑफिस बिल्डिंग रेंट, कंपनी ने रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है, समझो 25,000 रुपए दे रहे, उसकी रिक्वायरमेंट है ओनर की कि भाई रेंट हमें पहली तारीख को दे दिया करो एडवांस में, ठीक है। तो आपने डेबिट किया, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। एक एसेट बढ़ गया प्रीपेड रेंट, उसका नाम है, देखो ये, देखो ये यहाँ लिखा भी हुआ है, आपने चूज किया यहाँ, देखो प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, और ये देखो अब ये इस पे हम वापस गए सोल्यूशन पे, ठीक है। देखिए देखो सेकंड, ठीक है, ये देखिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं मेरी फाइल, थोड़ी फाइल शेयर हो रही है, अब देखो हो गई, यस सर। देखो ये देखिए क्या बताया था, क्या एंट्री हुई थी, डेबिट किसको किया, प्रीपेड, ठीक है, डेबिट, तो ये आपका आ गया प्रीपेड डेबिट और 25,000, ठीक है, 25,000 से डेबिट किया, और अब आपने क्या किया कि कैश क्रेडिट, ठीक है, तो कैश क्रेडिट है, और आप कितना किया 25,000, और फिर नरेशन दिया, ठीक है। देखो ये देखिए ये देखिए पेड एडवांस रेंट फॉर ऑफिस बिल्डिंग, ये देखो ये नरेशन दे दिया है, आपने एक अच्छी सी अंग्रेजी बना दी थी, जो एक सेंटेंस की एक
जुमला हो, ठीक है, तो एक लाइन में आ जाए या एट दी मोस्ट वन एंड हाफ लाइन में आ जाए कम से कम, ठीक है, वरना तो ये हमने एंट्री कर दी प्री पेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है, पेड एडवांस रेंट फॉर ऑफिस बिल्डिंग, ये डायरेक्शन दे दिया, तो ये आपकी कंप्लीट हो गई एंट्री, आप बिल्कुल सही हो गई, ठीक है, अब आ जाओ वापस। Excuse me, sir. Hello. सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि नरेशन में टू रिकॉर्ड लिखना लाजमी है, यानी कि डायरेक्ट हम ये लिखते हैं ऑनर डिपॉजिट कैश इनटू द बिजनेस, या हम यहाँ पे लिखते हैं टू रिकॉर्ड ऑनर, ये लिखना लाजमी है या नहीं? ये भी लिख सकते हो, हाँ, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग इन एडवांस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब दिसंबर 4 पे आओ, देखो दिसंबर 4 आप लोगों के सामने है ना, ये हर ट्रांजेक्शन, ठीक है, yes, sir. आप अपना व्हाट्सएप खोलो, देखो बार बार मुझे जाना पड़ता है, दिसंबर 3 है, देखो 3 दिसंबर 4, अब हम इसको किसको पोस्ट कर रहे हैं, परचेज कंपनी कार फॉर 9,50,000, पेड 3 lakh कैश एंड इश्यूड ए नोट्स पेबल फॉर द रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट। देखो आपको कहा था ना कि जब जनरल एंट्री हो रही होती है तो एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट, दो ही अकाउंट नहीं हो सकते, ज्यादा अकाउंट भी क्रेडिट हो सकते हैं, ज्यादा अकाउंट भी डेबिट हो सकते हैं, टोटल वही होगा। तो क्या किया कंपनी ने, व्हीकल क्या कार खरीदी 9,50,000 में, 3 lakh रुपए पे कर दिया, बाकी बैलेंस कितना बड़ा बचा, 9 lakh में से 6,50,000 उसके लिए उसने नोट्स पेबल इशू कर दिया, यानी नोट्स पेबल का मतलब है कि कंपनी ने पैसा नहीं दिया लेकिन जिससे परचेज किया ना उसको एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया कि मैं ये पैसा आपको बाकी पैसा जो है ना फला तारीख को दे दूंगा, ठीक है, तो वो नोट्स पेबल कराएगा, वो उसके उसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ में चला जाएगा, पैसे के स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ होगा कि इतना पैसा हम फला तारीख को देंगे, ठीक है, ताकि वो कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, तो ये एंट्री हुई। तो अब बताओ कि डेबिट किसको करेंगे, सर डेबिट कैश अकाउंट से, व्हीकल अकाउंट डेबिट सर, कैश अकाउंट और नोट पेएबल क्रेडिट सर। यस सर, डेबिट क्या होगा, डेबिट कार होगी सर, हां व्हीकल अकाउंट सर, व्हीकल्स, व्हीकल आप कार जो है वो कार के नाम से तो अकाउंट निकल, आपने देखना है कि कौन से अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, अब इसमें से पकड़ो व्हीकल सर, व्हीकल्स देखो व्हीकल्स उसके, क्योंकि कंपनी कभी कार खरीद रही होगी, कभी उसने मोटरसाइकिल खरीद रही है, कभी ट्रक खरीद रही है, तो कंपनी ने एक अकाउंट खोला हुआ है व्हीकल्स के नाम से, इसका मतलब चाहे वो गाड़ी कार वो टोयोटा करोला खरीदे, आल्टो खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, उस कंपनी ने एक ही अकाउंट ओपन किया हुआ व्हीकल्स, तो वो इसी में डेबिट करेगी व्हीकल्स। नरेशन में जरूर दे दोगे कि कंपनी परचेज द कार, ठीक है, तो देखो ये आपके पास आ गया, इसलिए ये आपको अगर ये अकाउंट्स दिए हुए नहीं होते तो फिर आप डेबिट कर सकते थे कार में, ठीक है, लेकिन यहाँ जब कंपनी ने सारे अकाउंट तो नहीं खोले दिए, देखो व्हीकल्स डेबिट, और व्हीकल्स कितने का खरीदा वो आपने, आपको पता है कि 9 lakh rupees 9,50,000 9,50,000, तो 9,50,000, ठीक है, ये आपने डेबिट कर दिया, एसेट बढ़ गया, और फिर आपने कैश पेमेंट किया, एसेट कम हो रहा है, तो एसेट हमने कितना पे किया वो अब आपका फिर आ गया, देखो देखिए कैश है, ये देखिए क्रेडिट हो गया 3 lakh rupees, अब एक अकाउंट और क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है वो है, पेमेंट नहीं की, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, एसेट इंक्रीज डिक्रीज होगा तो क्रेडिट तब होगा, तो देखिए लायबिलिटी डिफरेंस 6,50,000, तो ये हमने, और ये देखिए अब देखिए ये देखो नरेशन दे दिया, देखिए नरेशन को समझो, देखिए परचेज ए कंपनीज कार एंड पेड कैश पार्शली एंड फॉर द रिमेनिंग बैलेंस इश्यूड इन नोट्स पेबल, देखो सब चीजें वाजे हो रही है ना, पेड कैश पार्शली इसका मतलब पता लग रहा है यहाँ से 3 lakh rupees पे किया, बाकी के लिए उसने नोट्स पेबल इशू कर दिया, ठीक है, ये एक मुनासिब किस्म की नरेशन दे दो, ठीक है, आप लोग नरेशन तो आप समझ गए, ठीक है, अंग्रेजी तो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, ठीक है, तो ये आप नरेशन दे दोगे, ठीक है, क्लियर हो गई। Excuse me, sir. सर 5 minutes के लिए ब्रेक ले सकते हैं नमाज के लिए? क्या कर रहे हो सर? नमाज के लिए 5 minutes ब्रेक ले सकते हैं?
सर ये क्वेश्चन था मेरा, क्या सर ये जो हमने नोट पेपर इसमें जो लिखा है थर्ड एंट्री में, ये डेबिट की तरह लिखते, अगर इसको हम थोड़ा स्पेस दे के लिखते क्योंकि ये क्रेडिट साइड है ना, ये लायबिलिटी हो गई भाई, हम पेमेंट तो कर ही नहीं रहे ना भाई, आपने समझो नोट पेबल में कह रहा हूं है सर, मैं कह रहा हूं नोट पेबल जो लिखा हुआ है ना उसमें स्पेस नहीं दी हुई, जैसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं तो थोड़ी स्पेस दे के लिखते हैं। फिर से बोलो क्या कह रहे हो सर, जैसे हम जो क्रेडिट लिखते हैं वो थोड़ा सा स्पेस दे के लिखते हैं ना, तो यहाँ पे कैश को हमने स्पेस दी हुई, नोट पेबल पे नहीं दी हुई। यू आर राइट ठीक है, हम थोड़ा स्पेस दे रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अच्छी बात है आपने नोट किया, ठीक है ठीक है, क्लियर हो गया ये। यस सर क्लियर हो गया, चलो ठीक है, अब फिफ्थ पे आ जाओ, सॉरी एट पे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फोर्थ ट्रांजेक्शन है और वो है दिसंबर 8 का, ठीक है, तो हमने फोर्थ सीरियल नंबर लिखा और ये दिसंबर 8 है और क्या है जरा इसको पढ़ते हैं, देखो सब सामने रखो अपने, कंपनी परचेज स्टेशनरी, कंपनी ने स्टेशनरी परचेज की, यानी कि स्टेशनरी का मतलब कॉपी पेंसिल रबर ये मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी हैं, ऑफ कितने रुपए का, कंपनी परचेज स्टेशनरी ऑफ 90,000 की, जाहिर है कंपनी चल रही है पूरे महीने की स्टेशनरी परचेज किया होगा, इसके अंदर कॉपीज होंगी, रजिस्टर होगा, पेन होगा, पेंसिल होगी, रबर होगा, ये सब चीज़ें होती हैं और 90,000 का बिल लेकर आया वो, ठीक है ठीक है, कंपनी ने क्या किया कि 70,000 तो पे कर दिए फौरन और फॉर द बैलेंस इशूड नोट्स, फिर एक नोट्स पेबल इशू किया, ठीक है इसको भी दूसरे दुकानदार को, ठीक है 20,000 का, इसका मतलब तो कंपनी ने परचेज की स्टेशनरी, स्टेशनरी इज एसेट तो क्या डेबिट होना चाहिए भाई बताओ, डेबिट क्या होगा स्टेशनरी का, तो अकाउंट कंपनी ने खोला नहीं है तो मुनासिब कौन सा होगा, ऑफिस सप्लाई, ठीक है यहाँ पर हम जो स्टेशनरी में नहीं खोलेंगे बल्कि हम डेबिट किसको करेंगे, ऑफिस सप्लाई, देखो ऑफिस सप्लाई यही चीज होती है, उसमें स्टेशनरी भी आ रही होगी, इसके अंदर स्मॉल आइटम्स होते हैं नट बोल्ट ये सब चीजें समझो इसमें आ रही होगी, ठीक है तो ऑफिस सप्लाईज में ये डेबिट होगा, आप स्टेशनरी में नहीं डेबिट करोगे क्योंकि कंपनी ने अकाउंट जो इसके लिए इस पर्पस के लिए खोला हुआ है वो ऑफिस सप्लाई, इसको समझो भी, ठीक है ऑफिस सप्लाईज डेबिट 9,000 जो एसेट इंक्रीज हुआ आपका ऑफिस सप्लाईज, ठीक है ऑफिस सप्लाईज डेबिट, एक्सक्यूज मी सर नमाज ब्रेक मिल सकती है प्लीज, आइए इंडी डिस्कस कर लें फिर ब्रेक करते हैं, ठीक है ओके ओके ओके, देखिए ये हो गया आपका, देखिए और फिर आपने देखा कि हमने लिया, देखिए कर दिया कैश है, अब फिर 20,000 बचा नोट्स पेबल इसके लिए, चूंकि अगर नोट्स पेबल इशू नहीं किया होता तो फिर हम यहाँ लिखते अकाउंट्स पेबल, फिर अकाउंट्स पेबल लिखा जाता, ठीक है उधार, तो ये इस तरीके से ये नरेशन दे दिया और ये देखो नरेशन क्या दिया, देखिए देखिए आप पढ़ो इसको, ऑफिस सप्लाईज डेबिट 90,000, कैश डेबिट क्रेडिट 70,000, नोट्स पेबल क्रेडिट 20,000, ठीक है और परचेज स्टेशनरी है, ये नरेशन में दोगे आप परचेज स्टेशनरी एंड पेड कैश पार्शली एंड फॉर द रिमेनिंग बैलेंस इशूड नोट्स पेबल, ठीक है ये हो गया आपका नरेशन, क्लियर हो गई ये फोर्थ एंट्री, यस सर यस सर, अच्छा ब्रेक ब्रेक कर रहे हैं अभी, टाइम मैं बता दूं देखो इस वक्त टाइम हुआ है 5:05, ठीक है सही है कह रहा हूँ, यस सर ठीक है, तो 5:10 पे रीस्टार्ट करेंगे, सही है या 5:12 कर लिया चलो, ठीक है अब इस 5:12 पे सारे स्टूडेंट क्लास में वापस आ जाए, ठीक है ओके सर, ठीक है 5:12 पे स्टार्ट होगी क्लास, ठीक है बिल्कुल अब इससे आगे नहीं करना ताकि फिर जो है क्लास स्टार्ट हो जाए, पोस्टिंग भी करना है, नमाज पढ़ लो भाई पहले अल्लाह का काम,
अरे भाई सलाम अलैकुम, आ गए सब? वालेकुम अस्सलाम सर, आई एम हियर। वालेकुम अस्सलाम सर, अस्सलाम सर, आई एम हियर। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है, देखिए दिसंबर 15 कंपनी रिसीव 1,60,000 कैश एज एन एडवांस फ्रॉम ए कस्टमर, है कस्टमर से एडवांस में पैसा लिया फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज विच इज टू बी प्रोवाइडेड इन जनवरी 19, 2021। कहने का मकसद है लेट आ रहा है ऊपर, एडवांस में पैसा ले लिया और सर्विस जो रेंडर करनी है वो आज 15 तारीख है, अगले महीने करनी है। ठीक है, इसका मतलब ये पैसा जो है एडवांस में मिल गया उसको, ये रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, ये रेवेन्यू नहीं कहला है, कस्टमर से पैसा तो रेवेन्यू होता है लेकिन उसने एडवांस में सर्विस तो रेंडर की नहीं तो रेवेन्यू तो नहीं हुआ ना, तो कैश तो डेबिट हो गया। सही है ना, कैश रिसीव किया तो कैश तो डेबिट हो गया। अब बताओ क्रेडिट किसी को करेंगे? अकाउंट्स में देखो ये जो खुले हुए, ये कंपनी की लायबिलिटी है, तो कौन सी लायबिलिटी क्रेडिट होगी बताओ सर? अन कंसल्टिंग रेवेन्यू सर। अन का मतलब होता है ऐसी लायबिलिटी जो जिसमें वो इंक्रीज हुई है जो कि कस्टमर से पैसा मिलना, ठीक है, एडवांस में, तो ये अन अर्नड है। अन अर्नड का मतलब अभी अर्न नहीं हुआ ये, ठीक है, ये लायबिलिटी है, इसको भी लायबिलिटी कहेंगे अकाउंट, ये करंट लायबिलिटी है। अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है, कैश डेबिट और अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू क्रेडिट, दिस इज लायबिलिटी। ठीक है, इसलिए कि कल को हो सकता है कि कंपनी सर्विस रेंडर नहीं कर सके। ठीक है, देखो ये समझ लो कि जब आप एयरलाइन का टिकट लेते हो, कंपनी जब आपने पैसेंजर एयरलाइन का टिकट लिया, ठीक है, एक महीना पहले टिकट ले लिया आपने, ठीक है, तो एयरलाइन कभी उसको रेवेन्यू में नहीं क्रेडिट करेगी, कैश डेबिट करेगी और अनअर्न्ड रेवेन्यू को क्रेडिट करेगी। जब एक महीना गुजर, जब एयरलाइन सर्विस रेंडर कर देगा, 31 की फ्लाइट थी आपकी, आपने 2 को 3 को 4 को लिया, जब 31 जब फ्लाई हो जाएगा तो तब आपके अकाउंट को वो रिवर्स करेगा कि अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट और रेवेन्यू अर्न्ड क्रेडिट, रेवेन्यू हो गया और डेबिट कर दिया, लायबिलिटी डेबिट हो गई और रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ भी हमने क्या किया, ये देखिए अनअर्न्ड जो अकाउंट ओपन है, समझ जाना चाहिए कि ये किस लिए है। ठीक है, देखिए ये एंट्री हुई, अब देखो कैश डेबिट, कंपनी रिसीव्ड कैश इन एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर बिफोर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या क्लियर कर दिया अनअर्न्ड में क्यों क्रेडिट किया, कंपनी रिसीव कैश इन एडवांस फ्रॉम ए कस्टमर, ठीक है, बिफोर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विस तो रेंडर की जाती है ना, सर्विस रेंडर की नहीं, एडवांस में पैसा ले लिया है, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया लायबिलिटी में। ठीक, और ये देखिए ये आपका अब क्लियर हो गई एंट्री, सही है। चलो चले आगे चले। सिक्स्थ दिसंबर 19 कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर 1,32,000 टू कस्टमर ऑन अकाउंट। अब देखो ये ट्रांजेक्शन क्या है, कंपनी ने सर्विस रेंडर कर दिया है, यहां रेवेन्यू अर्न हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला, तो पैसा नहीं मिला
क्रेडिट पे कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हर टाइप के ट्रांजेक्शन आपको दिया है, कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर 1,32,000 टू कस्टमर ऑन अकाउंट, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी फिर बताओ? सर्विस रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, देखो जब सर्विस रेंडर की पैसा नहीं मिला तो अकाउंट रिसीवेबल, ये एसेट अकाउंट क्रेडिट डेबिट होगा, अकाउंट्स रिसीवेबल, देखो ओपन भी है वहां पर, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट राइट बाय जितने अमाउंट से सर्विस की 132, और क्रेडिट क्या होगा, हालांकि पैसा नहीं मिला लेकिन रेवेन्यू, देखो कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न, इस नाम से ये रेवेन्यू का अकाउंट कंपनी ने खोला हुआ है, कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न, ठीक है, इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है, तो ये फिर नरेशन क्या होनी चाहिए बोलो, क्या देंगे नरेशन? भाई कुछ कोशिश करो, देखिए कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज ऑन अकाउंट, ठीक है, बिल्कुल वाजी हो गया, ठीक है, कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज ऑन अकाउंट, ठीक है, ऑन अकाउंट का मतलब उधार, ठीक है, तो ये हमने डेबिट कर दिया अकाउंट रिसीवेबल को और रेवेन्यू अर्न हो गया, ठीक है, सर्विस रेंडर कर दी ना, लेकिन पैसा नहीं मिला, कैश मिल रहा होता तो कैश डेबिट करते, ठीक है। सेवंथ को उठाओ, दिसंबर 20, कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर इतना कस्टमर ऑन कैश, अब यहां पर कैश है देखो, अब क्या डेबिट होगा? कैश है कौन सर? कैश डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ताकि इस टाइप को भी आप समझ लो अच्छी तरह, कैश डेबिट हो गया, ठीक है, और कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न वही क्रेडिट होगा, वही हुआ, और यहाँ कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज ऑन कैश, ये रेंडर ये आपको बता दिया, ठीक है। तो आगे चलो, अब देखिए दिसंबर 21st, 820 रिकॉर्डेड एंड पेड सैलरीज, सैलरी रिकॉर्ड भी किया और सैलरी पे कर दिए, कितने अमाउंट की, 1,32,000 प्रोवाइडेड कंसर्न, हाँ सॉरी 95,000, क्या एंट्री हुई फिर? सैलरी एक्सपेंस सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट डेबिट और पे भी कर दिया और कैश क्रेडिट, ठीक है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, ये एंट्री हो गई, ठीक है, सैलरी सैलरी के अकाउंट ओपन है, सैलरी के नाम से, सैलरी वेजेस के नाम से नहीं है इसलिए सैलरी लिखेंगे, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, नहीं एक्सपेंस का वर्ड यूज करोगे, और कैश क्रेडिट एक्सपेंस हो गया, और ये हमने नरेशन दे दिया, देखो कंपनी पेड सैलरीज टू दियर एम्प्लाइज, ठीक है, सैलरी एम्प्लाइज को ही दे करते हैं, तो ये आपका आ गया, ठीक है। अब आगे चले, नेक्स्ट 23rd में क्या है? देखिए कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर 190 एंड बिल्ड टू ए कस्टमर ऑन अकाउंट, देखो यहाँ बिल्ड का मतलब वही मतलब है, देखो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी क्रेडिट पे है ना, देखो बिल्ड अगर इतना भी लिख दिया जाता तो काफी था, इतना ही काफी है, देखो कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर 1,90,000 एंड बिल्ड टू ए कस्टमर, दैट्स ऑल, बिल्ड टू ए कस्टमर, ठीक है, बिल्ड, ठीक है, इसका मतलब है कि वो क्रेडिट पे हो गया, हमने यहाँ लिख भी दिया ऑन अकाउंट पे, तो यहाँ भी वही एंट्री हुई, ठीक है, कि आपने लिखा अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, ठीक है, देखिए क्या एंट्री करेंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न, रेवेन्यू अर्न क्रेडिट, समझ गए, क्लियर हो गया, चलो सबको क्लियर हो रहा है ना सब, चलो
अब आगे चलो 10th पे दिसंबर 26 पेड लोकल न्यूज पेपर, पेड लोकल न्यूज पेपर 5,000 फॉर हाफ ईयर पेज ऑफ एडवर्टीजमेंट, ठीक है, पेज एडवर्टीजमेंट, द एडवर्टीजमेंट विल अपीयर ऑन दिसंबर 31st, 26 को पे किया, 31 को वो एडवर्टाइज भी कर देगा अखबार में, तो क्या एंट्री करनी चाहिए भाई? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट सर कैश अकाउंट क्रेडिट, जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अगर ये क्योंकि दो चार दिन की बात है ना, अगर महीना भर होता तो फिर इसको फिर प्रीपेड में भी ले जा सकते थे, ठीक है, तो ये आपका आ गया, क्या नाम है, देखिए, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इस नाम से खुला हुआ है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट 5,000 से और कैश क्रेडिट, ठीक है, तो ये आपका एंट्री, कंपनी पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस टू ए लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है, तो ये आपने एंट्री कर दी, ठीक है, तो अब आ गए नेक्स्ट पे, लास्ट एंट्री है दिसंबर 23rd पेड, दिसंबर 30th कंपनी पेड गैस बिल फॉर 75,000 फॉर द मंथ, कंपनी ने गैस बिल पे किया है, गैस बिल का मतलब है एक्सपेंस है ना ये, और गैस बिल किस एक्सपेंस में डेबिट होना चाहिए, बिल एक्सपेंस है, किसमें, बिल एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस है ना, यूटिलिटी एक्सपेंस, ठीक है, अगर यूटिलिटी अगर गैस के नाम से होता तो गैस में, यहाँ यूटिलिटी है, एनर्जी चार्जेस डेबिट, एनर्जी चार्जेस डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश पर डेबिट किया, एनर्जी चार्जेस डेबिट, ठीक है, देखो ओपन भी है, एनर्जी चार्जेस डेबिट और फिर हमने क्रेडिट किया, किसको क्रेडिट किया, एनर्जी चार्जेस कैश को, ठीक है, कैश क्रेडिट, ठीक है, तो ये आपका कैश क्रेडिट हो गया, ठीक है, तो ये देखो एनर्जी चार्जेस डेबिट सर, सही है, क्लियर हो गया सब, ये जनरल जनरल एंट्री, आप देखो जनरल एंट्री से अब हम पोस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, देखो पोस्टिंग कर रहे हैं अब इसको, ठीक है, सेकंड स्टेप देखो, इस क्वेश्चन का पार्ट टू है, पोस्ट टू द लेजर अकाउंट्स, देखिए शुरू पे अब स्टार्टिंग पे आ जाओ वापस, ठीक है, पोस्टिंग तो अभी आपने आज कम से कम समझनी है, ठीक है, पोस्टिंग कर रहे हैं, अब देखिए कैश पहला देखो नंबर वन क्या है, पहली तारीख है दिसंबर 1st है, ए? दिसंबर 1st है और डेबिट हो रहा है कैश में, क्रेडिट हो रहा है जे कैपिटल में, वहां देखा आपने, ठीक है, तो आपने क्या किया, पोस्टिंग कर रहे हो, इसका मतलब कैश के अकाउंट में डेबिट होगा और जे के कैपिटल में क्रेडिट होगा और तारीख होगी दिसंबर 1st, है ना, यही चीज हो रही है ना, क्लियर बताया आपको, तो आप गए इस पे वापस, ठीक है, इसके लेजर पे देखिए, ये देखिए अब मैं ये आपको शो कर रहा हूं, देखिए अभी शेयर कर रहा हूं, हो रही है फाइल शेयर, हो रही है, यस यस सर, हो रही है सर, पहला 1st दिसंबर को कैश देखो डेबिट हो रहा है, है? और देखिए यहां पर कैश डेबिट, ठीक है, और साथ में देखिए देखिए पहला ट्रांजेक्शन है, देखिए डेबिट साइड पे लिखा 1/12 दिसंबर 1st दिसंबर 9,009 lakhs डेबिट, और ये देखिए क्रेडिट 1st दिसंबर 9 lakhs क्रेडिट, ये पोस्टिंग हो गई,
ठीक है, अगर वो वहां पर लेजर अकाउंट का नंबर भी होता था तो वहां पर फिर नंबर भी डाल देते, ठीक है, पीआर के पोस्टिंग रेफरेंस में थे इसलिए वो प्रैक्टिकली काम आता है, लेकिन मैंने उसको समझा दिया तो इस तरह डेट जरूर डालनी है आपने, ठीक है, ये पोस्टिंग हो गई फर्स्ट ट्रांजेक्शन की, क्लियर हो गया, ठीक है, सेकंड पे आओ, फिर वापस गए उसी पे, पोस्टिंग जो हमारी देखो सेकंड है, देखो सेकंड ट्रांजेक्शन है कि प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट है, ये है एंट्री सेकंड की, देखो दिसंबर सेकंड की एंट्री अभी पढ़ा दी आपको, प्रीपेड रेंट डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, कैश क्रेडिट हो रहा है और प्रीपेड रेंट डेबिट हो रहा है, ठीक है, तो वापस हम देखो इस पे आपको ले गए, ये देखिए, ये देखिए कैश डेबिट, देखिए प्रीपेड रेंट, देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, ये देखो कैश क्रेडिट हुआ, ठीक है, और प्रीपेड रेंट डेबिट, ठीक है, प्रीपेड रेंट, ये देखिए प्रीपेड रेंट डेबिट, ये देखिए एंट्री, मैं वो एंट्री दिखा पहले आपको, चलो शो करता हूं, सर आपका माइक बंद हो गया है, सर आपका माइक बंद है, सर आपका माइक म्यूट है, सर आपका माइक म्यूट हो गया, एक्सक्यूज मी सर आपका माइक म्यूट है, सर आपका माइक म्यूट हो गया, कुछ आवाज अच्छा, नहीं आ रही, अब सही हो गया, यस सर, आ रही है ना, ठीक है, देखो जी जी सर अब आ रही है, आना शुरू हो गई, ठीक है, व्हीकल्स डेबिट, ठीक है, व्हीकल्स डेबिट कैश क्रेडिट, देखो 9,50,000 से व्हीकल्स परचेस किया, डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया 3,00,000 रुपए से, बाकी 6,50,000 ये देखो नोट्स पेबल, चार ये 4-12 में हुआ क्रेडिट हुआ, ये देखो एंट्री पूरी हो गई, डेबिट क्रेडिट बराबर आ गए, ठीक है, सही है, समझ गए, यस सर, बोलो, चलो आगे चलो, यस सर, देखिए अब हम फिर आए, अगली पोस्टिंग क्या है, फोर्थ में है ऑफिस सप्लाईज, दिसंबर 8 में ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट और नोट्स पेबल क्रेडिट, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज 90,000 है, ऑफिस सप्लाईज, ठीक है, ये इसको भी सामने अगर रखोगे तो समझ जाओगे, ये जो आपको ये तो हैंड आउट आपके पास है, जो क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन में फोर्थ में देखो दिसंबर के ऑफिस सप्लाईज डेबिट हुआ है, ठीक है, और कैश क्रेडिट हुआ है 70,000 से, नोट्स पेबल क्रेडिट हुआ, देखो इसकी पोस्टिंग पे गए फौरन, वही एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए आपने ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ये देखिए ऑफिस सप्लाईज, देखिए
देखिए ऑफिस सप्लाईज डेबिट 90,000, कैश क्रेडिट, कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है 70,000 से, ठीक है 70,000, ये देखो 70,000 से कैश क्रेडिट हुआ, ये देखो 8 तारीख को 70,000 हो रहा है ना, क्लियर हो रहा, नजर आ रहा है ना। और 8 तारीख को देखो नोट्स पेबल है, 8 तारीख को ये देखो नोट्स पेबल, सॉरी 4 तारीख है, 4 तारीख को नोट्स पेबल 6,50,000, ठीक है नहीं कितना नोट्स पेबल जो है 20,000, ये देखो 20,000 8 तारीख को, देखो 8 तारीख को ऑफिस सप्लाईज परचेज किया, तो ये ऑफिस सप्लाईज यहाँ पर 90,000 डेबिट, और कैश क्रेडिट वो है 25, कितने अमाउंट से कैश क्रेडिट हुआ आपका, कितने अमाउंट से बोलो, ये 70,000, और बैलेंसिंग का जो है वो नोट्स पेबल में फिर एक अमाउंट आया 20,000 का, ठीक है ये 20,000, ठीक है इस तरह ये एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। और अगली एंट्री है जो जनरल, इसमें जनरल जनरल में दिसंबर 15 की, कंपनी रिसीव 160 कैश इन एडवांस फ्रॉम ए कस्टमर फॉर कंसल्टिंग सर्विसेज विच इज टू बी प्रोवाइडेड, देखो इसकी एंट्री हमने की अभी है, कंपनी रिसीव 60,000 कैश हुआ है 15 तारीख में, कैश 1,50,000 से डेबिट हुआ, तो ये देखो 1,50,000 से 1,60,000 से ये देखो डेबिट हुआ, ठीक है। और एडवांस में लिया था तो हमने क्रेडिट किसको किया था, कंसल्टिंग रेवेन्यू को, ये देखो अनकंसल्टिंग रेवेन्यू, ये देखो कंसल्टिंग, देखो कैश डेबिट 1,60,000 से और अनकंसल्टिंग अनअर्न कंसल्टिंग रेवेन्यू 1,60,000 से क्रेडिट हो गया, वही एंट्री पोस्ट कर दी, ठीक है क्लियर। नेक्स्ट पे चलो भाई, और सब लोग बोलो, सबको क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स? यस सर क्लियर हो रहा है, ठीक है नेक्स्ट पे चलो। यस सर, सिक्स्थ एंट्री देखे, कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विस फॉर 132,000 टू कस्टमर इन अकाउंट, ठीक है ये आप वहीं पर देखोगे पोस्टिंग जो वो जो जनरल जनरल बनाया ना वहां से हम पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है जनरल जनरल से, तो जनरल जनरल में हमने देखा कि सिक्स्थ के अंदर आपने सिक्स्थ के कंपनी ने सर्विसेज रेंडर की थी ऑन अकाउंट, तो अकाउंट रिसीवर डेबिट किया था और कंसल्टिंग रेवेन्यू क्रेडिट किया था, कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न, तो वही चीज देखो यहाँ लिखे अकाउंट रिसीवर डेबिट है, आपका अकाउंट रिसीवर में ये डेबिट होगा इसके लेजर में और कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न में क्रेडिट होगा, तो यही देखो यहाँ पर कर रहे हैं सिक्स में, कंपनी पर कंसल्ट रेवेन्यू टू कस्टमर ऑन अकाउंट, ठीक है 132 अकाउंट रिसीवर 132 और कंसल्टिंग रेवेन्यू 132, ये देखिए 18 तारीख है, 18 तारीख है नहीं नहीं कितनी तारीख है 19 तारीख है 19 है ना 19, हाँ तो इसको करेक्ट कर लो ये 19 है, ठीक है 19 ठीक है अकाउंट रिसीवर, आवाज नहीं आ रही सर, मेरा आवाज नहीं आ रही, म्यूट कैसे हो जाता है, अब आ रही आवाज, चले देखिए क्या कर रहे थे हम, ये 19 तारीख में यहाँ डेट चेंज कर रहे थे, डेट ये 19 तारीख, देखिए कंसल्टिंग वहाँ पोस्ट हो रहा था अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 19 तारीख को, देखो 19-12 और 19-12 में क्रेडिट किया 1,32,000 1,32,000, ठीक है आगे चलो नेक्स्ट क्या है 20th, कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज और टू कस्टमर ऑन कैश, अब वहां पर एंट्री हुई है कैश डेबिट हो रहा है और कंसल्टिंग रेवेन्यू क्रेडिट हो रहा है, ठीक है कैश डेबिट, देखो ये कैश डेबिट 20 तारीख को 1,50,000 से, देखो ये देखो 1,50,000 से डेबिट और कंसल्टिंग रेवेन्यू, कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न 1,50,000, ये देखिए 1,50,000 20-12 और ये देखो 20-12 1,50,000 कैश, ये कैश मिल गया 1,50,000 1,50,000, ठीक है ये पोस्ट हो गया, ठीक है तो दिसंबर
21st recorded and paid salaries, salary record हुए, निके entry वहाँ क्या की है, जनरल में इसकी entry हुई है, देखो के आपने 21 दिसंबर में ट्रांजेक्शन नंबर 8 सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एंट्री हुई ना, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो अब सैलरी अकाउंट में जाएगा, डेबिट होगा 95,000 से 21 दिसंबर को और कैश क्रेडिट होगा 21 दिसंबर को, तो वही आपने यहाँ पर किया, ठीक है। देखिए ये देखिए कैश क्रेडिट किया, डेबिट पहले देखो आपने डेबिट किया है 21 तारीख को, कैश सैलरी एक्सपेंस, ये देखो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, ये देखिए 95,000 सैलरीज एक्सपेंस आ रहा है ना नजर, 95,000 और क्रेडिट ये देखो 95,000 क्रेडिट हो गया, सही है, क्लियर? यस सर क्लियर। नेक्स्ट देखो December 23rd को ट्रांजेक्शन नंबर 9 कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर 150 एंड बिल टू ए कस्टमर, ठीक है, ये भी क्रेडिट पे हो रहा है, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड कर दिया, लेकिन फिर यहाँ पर आएगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया है, ठीक है, इसमें भी आपका जो है 9th में, ठीक है, 9th में भी आपने 150,000 से 150,000 से डेबिट हुआ है आपका, देखिए 9th में अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 150,000 कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न, क्योंकि सर्विस रेंडर की और पैसा नहीं मिला तो अकाउंट रिसीवेबल आ गया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 150,000 से कंसल्टिंग रेवेन्यू क्रेडिट 150,000 से, यही चीज ये को यहाँ पर लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट ये देखिए 150,000 से और कंसल्टिंग रेवेन्यू क्रेडिट 150,000 से, तारीख है आपकी कितनी तारीख है, 23 तारीख, 150,000 से देखो 150,000, ठीक है, 26 तारीख को आ जाओ 26 दिसंबर को पेड लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर का पे किया है तो डेबिट हुआ है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस देखो ऐसे कौन सी तारीख है, ये डेट है आपकी, डेट है ये दिसंबर 26, देखिए दिसंबर 26 में देखो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, अभी जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सब इसको अभी भूल जाओ, अभी ये चीज समझो, ठीक है, वो तो आगे का काम आ रहा है तो, और कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट ये देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये देखिए कैश क्रेडिट हुआ, ये देखिए इस तारीख को कैश 5,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है, 26 तारीख को, उसके बाद है लास्ट ट्रांजेक्शन है 30 दिसंबर कंपनी पेड गैस बिल, है तो एंट्री क्या हुई है वहां पर जनरल में के यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है, तो वही यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो अब यहां पर फिर पोस्टिंग में गए, देखो यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, देखिए ये देखिए यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट, ये देखिए यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट, कहाँ यूटिलिटीज एक्सपेंस, ये देखिए गैस बिल, ठीक है सर, इसमें मेरा क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा था एनर्जी चार्जेस डेबिट, ठीक है, एनर्जी चार्जेस के नाम से देखो 75,000, ठीक है 75,000 ये डेबिट किया और कैश क्रेडिट कर दिया, ये देखो 75,000 से कैश क्रेडिट कर दिया, देखो अब आप देखो इस स्टेज पे आप आ गए, आपने पोस्टिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको भाई? यस सर, सबको क्लियर? यस सर। अच्छा अब क्या किया, पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, मंथ एंड आ गया समझो, इसके बाद तो अब कोई पोस्टिंग नहीं आ रही है, अब क्या करो जिसमें डेबिट क्रेडिट दोनों साइड पे आ रहा है टोटल कर लो, देखो कैश काम नहीं है टोटल किया, आ रहा नहीं है पोस्टिंग लेजर अकाउंट्स नजर आ रहे ना, देखो टोटल किया डेबिट को
तो वन इनका टोटल करोगे तो 1210 आ रहा है कैश को, देखो 1210 लास्ट लाइन पे जहां तक ये, और इसका टोटल किया एक ही लाइन में डेबिट तो 570, तो इसका मतलब है कि डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट में से 1210 में से 570 माइनस किया तो क्या आ गया 640, और इसको लिखा बैलेंस 31 दिसंबर, कैश का बैलेंस 31 दिसंबर आ गया 640। क्लियर हो गया एक बैलेंसिंग कैसे करते हैं? ठीक है, उसके बाद यस सर, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट में तो एक ही अमाउंट है, इसी को अंडरलाइन करके 31 दिसंबर लिख दिया 25,000 है, एक ही अमाउंट है, इसको इस तरह लिख दिया अंडरलाइन करके, और फिर यहां लिखा 25 बैलेंस 31/12। व्हीकल्स में आ गए, 4/12 को एंट्री हुई थी तो 31/12 को भी यही बैलेंस है 950,000, अंडरलाइन करके नीचे लिख दिया बैलेंस 31/12। ठीक है, और आ गए अकाउंट्स रिसीवेबल में, अकाउंट रिसीवेबल का दो टोटल अमाउंट आ रहा है, इन दोनों को पहले टोटल करोगे तो 282 है। ठीक है, पेमेंट तो कुछ हमें अभी मिली नहीं इससे, तो ये बैलेंस 31/12 को 282,000। ठीक है, आगे गए ऑफिस सप्लाईज, एक ही अमाउंट है 90,000, अंडरलाइन करके बैलेंस 31/12 90,000। अब आगे गए एडवर्टीजमेंट 5,000 है, और 31/12 को भी 5,000। ठीक है, अब आगे गए, ठीक है, कैपिटल 1/12 को हमने इन्वेस्ट किया था, और 31/12 को भी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, वही हम बैलेंस लिख दिया 31/12 को भी ये बैलेंस। ठीक है, हम तैयारी कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस की समझो। ठीक है, अब अनअर्नड कंसल्टिंग रेवेन्यू, इसका भी टोटल वही आ रहा है, एक एंट्री हुई है 15/12 को, और फिर बैलेंस भी 31/12 को ये 160। फिर नोट्स पेएबल में गए तो दो अमाउंट आ रहे हैं, सबसे पहले इनको प्लस करोगे 670, और इसको बैलेंस क्या होगा 670 31/12। कंसल्टिंग रेवेन्यू इन सबको टोटल कर लिया, तीन एंट्री आई है, देखो थ्री एंट्रीज हैव बीन पोस्टेड 19 दिसंबर, 20 दिसंबर एंड 23 दिसंबर। सम अप करो, पहले सम अप किया इसको तो 432 है, और इसको लिखा 31/12 बैलेंस 31 दिसंबर, राइट। इस तरह फिर सैलरीज एक्सपेंस, इसमें भी इसी तरह ही से, ठीक है, तो देखो एनर्जी चार्जेस में भी एक ही था, तो ये सारे बैलेंसेस हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, आई ये क्लियर हो गई? यस सर, सक्सेस हो गई। अब देखो, अब थर्ड स्टेप क्या है, प्रिपेयर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे करोगे, उसी तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था एक एक, लेकिन पोस्टिंग कैसे इसमें लिखोगे कैसे, पहले सारे एसेट्स अकाउंट पोस्ट करोगे, यानी कि बैलेंस शीट आइटम में क्या आ रहा है, बैलेंस शीट आइटम में क्या क्या चीजें होती हैं बताओ, बैलेंस शीट आइटम में बताए भाई, मोहम्मद अफान आप बताइए, मिस्टर मोहम्मद अफान बैलेंस शीट एलिमेंट्स बताएं क्या क्या है, मोहम्मद अफान आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मिस्टर अफान आर यू इन क्लास, मिस्टर अफान यू आर नॉट सिटिंग, भाई मेरी रिक्वेस्ट है हेड ऑफिस से कि इनको एब्सेंट मार्क करें आज की क्लास में, मिस्टर अफान को आई रिक्वेस्ट, मिस्टर अली के इनकी एब्सेंट मार्क करें। नेक्स्ट मोहम्मद नोमान, मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस सर। आप बताइए कि मैंने बताया था बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस बनाते हुए पहले आपने बैलेंस शीट एलिमेंट्स लिखने सारे, ठीक है, डेबिट हो रहा या क्रेडिट हो रहा, तो बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं ब्रॉडली, बैलेंस शीट में कैश आएगा, एसेट्स, ठीक है, सारे ब्रॉडली बोलो तो, सारे एसेट्स आएंगे पहले, ठीक है, एसेट्स फिर लायबिलिटीज कैपिटल, ये लिखेंगे ना, तो देखो पहले एसेट्स कैपिटल, चलो करंट एसेट्स सबसे पहले कैश लिख लिया, कैश का बैलेंस कितना लिखेंगे बताओ वहां पर, जी सर कितना अमाउंट आएगा कैश का बैलेंस, सर कैश बैलेंस
6,40,000 आएगा. 6,40,000 बिल्कुल ठीक है. कैश का बैलेंस आएगा 6,40,000 ठीक है. तो 6,40,000 कैश का बैलेंस आएगा ठीक है. तो मैं इसको एक सेकंड में वो ट्रायल बैलेंस भी पिक करता हूँ. देखिए ये देखिए कैश बैलेंस 6,40,000 है. देखिए मैं शेयर कर रहा हूं फाइल को. जल्दी जल्दी ये देखिए यहां पर आप गए वापस. ये देखिए कैश 6,40,000 ठीक है. ट्रायल बैलेंस अभी आप अपने कॉपी पेंसिल निकाल लो ठीक है. देखो 640 अभी सारे एसेट अकाउंट लो. पहले करंट लिया देखो 640 प्री पेड कितना आएगा 25 डेबिट साइड पे है. प्री पेड 25,000 सही है. और अकाउंट रिसीवेबल में कितना लेंगे 282,000 2,82,000 राइट. ये देखो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं इस वक्त ठीक है. पहले करंट एसेट्स ले लो. ऑफिस सप्लाईज 90,000 ठीक है. अब देखो करंट एसेट्स खत्म हो गए ठीक है. अब लिया क्या व्हीकल्स 950 है. ये वहां पर ट्रायल बैलेंस में इनपुट कर दिया ठीक है. ये देखिए ट्रायल बैलेंस में आप शो करता हूं आपको. ये देखिए और ये शेयर ट्रायल बैलेंस देखिए. ए जे जे कंसल्टिंग फर्म ट्रायल बैलेंस एज ऑन करती. देखो यहां लिखेंगे एज ऑन या एज एट. देखो कैश 640 है ना जो अभी बैलेंस निकाल. अकाउंट्स रिसीवेबल है. अकाउंट्स रिसीवेबल देखिए वहां बैलेंस था कितना. अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस वहां कितना आ रहा है 282 ठीक है. वो लिखा है 282 आ रहा है सही है ना. प्रीपेड रेंट 25 आ रहा है ठीक है. ये लिख दिया. ऑफिस सप्लाईज 90,000 सही है. क्लियर. अब व्हीकल्स 950 सही है. और अनअर्न अब देखिए अभी भी अभी एसेट लिख लिया. अब लायबिलिटी स्टार्ट हुआ. अनअर्न कंसल्टिंग रेवेन्यू है. ये तो क्रेडिट में है ना. देखो ये क्रेडिट में है. यहां देखें क्रेडिट साइड है ना. ये 160 है. अब एसेट तो सारे लिख दिए. अब देखो ये लायबिलिटी है 160 और नोट्स पेबल 670 है. देखो नोट्स पेबल 670 और है और अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू 160. क्या शो करूं ये फिर. देखिए क्या क्या है. कैपिटल 9 lakhs. अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू देखो 160. फिर नोट्स पेबल 670. कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न 432 ठीक है. ये रह गए एक्सपेंसेस. बाकी और बाकी तो हमने पोस्ट दिखा दी आपको अनर्जी. और फिर उसमें जाएंगे इनकम स्टेटमेंट आइटम में. तो ये गए देखो. ये देखिए अब लायबिलिटी में गए. देखिए ये देखिए अनअर्न्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू 160 नोट्स पेबल 670 और जे जे कैपिटल 90. देखो बैलेंस शीट आइटम खत्म हो गए. देखिए अब इसको गौर से देखो एक नजर डालो इसके ऊपर. ट्रायल बैलेंस आपको नजर आ रही है ना. यस सर आ रही नजर. देखो ट्रायल बैलेंस में देखो सारे एसेट बैलेंस शीट आइटम्स लिख दिए. ऑर्डर में लिखा पहले एसेट्स लिखे फिर लायबिलिटीज फिर कैपिटल ठीक है. अब आ रह गया इनकम स्टेटमेंट आइटम.
सबसे पहले वो जो सेल है यानी कि रेवेन्यू है वो लिखो आप, कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न, जाहिर है क्रेडिट है वो, है उसको क्रेडिट लिख दिया, देखो कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न, ठीक है, कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न, लेजर में जाओगे तो आपके पास कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न जो है उसकी फिगर है आपकी कितनी अमाउंट है, कंसल्टिंग रेवेन्यू अर्न 432,000 है, क्रेडिट साइड पे बैलेंस है 3112 में, तो ये देखो 432 आपने लिखा, 432 देखिए 432 ये देखिए एनर्जी चार्जेस, ठीक है आप देखो एनर्जी चार्जेस हैं 75,000 वो लिखा है डेबिट साइड पे, अब एक्सपेंस शुरू हो गए, इनकम स्टेटमेंट आइटम शुरू हो गए ना रेवेन्यू, अब ये है उसके बाद देखिए फिर सैलरीज एक्सपेंस आ रहा है 95,000, फिर क्या आया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 5,000, ठीक है अब टोटल किया, अब टोटल करो टोटल, अब इसका मकसद क्या था ताकि ट्रायल बैलेंस हमारी टाई अप हो रही है नहीं है, अब ये बराबर बैलेंस आना चाहिए, इक्वल बैलेंस आना चाहिए, जो डेबिट साइड पे आ रहा है वही क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, ठीक है तो देखिए डेबिट को इसको टोटल किया, ये देखिए 2162 2162 है ना, देखो बराबर आ गया ना, है ना जादू है जी सर, यस सर, ठीक है ये इसका मकसद क्या है ट्रायल बैलेंस बनाने का, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ठीक है अभी इससे याद रखो इससे इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई जा सकती है, मंथ एंड पर जो एडजस्टिंग एंट्रीज है ना वो भी तो आई नहीं है, ठीक है इसको लिखेंगे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है ये तो ठीक है अन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है एज ऑन 31/12, ठीक है ये वहीं से फिगर पिक किया लेजर से, एक फिगर को पिक करके यहाँ पर डेबिट क्रेडिट करते रहे, और इसका ऑर्डर वो रखना है जो बैलेंस शीट, जो हमारा पहले बैलेंस शीट आइटम्स फिर इनकम स्टेटमेंट आइटम, याद रखो है पहले बैलेंस शीट आइटम्स फिर इनकम स्टेटमेंट आइटम, और अगर इसमें ड्राइंग्स अभी आ रहा होता ना ड्राइंग्स या डिविडेंड्स तो हम डिविडेंड्स और ड्राइंग को फिर भी वो भी लिखते हम, ठीक है आपको इनकम स्टेटमेंट आइटम से पहले कैपिटल के बाद हम फिर डेबिट करते ड्राइंग को, ठीक है वो नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा, ठीक है और फिर ये रेवेन्यू लिखा फिर एक्सपेंसेस लिखे इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड और फिर टोटल किया, इसका मकसद सिर्फ है कि बुक्स में चेक किया हमने, अगर हमारी एक एंट्री भी गलत हो जाती ना तो ये टैली नहीं करता, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहे होते ना तो ये टैली नहीं करती बैलेंस ट्रायल बैलेंस आउट हो जाती, हम पहले चेक करते फिर एडजस्टिंग एंट्री पास करते, ठीक है तो ये तीन स्टेप आपको बताओ क्लियर हुए बिल्कुल स्टूडेंट्स, यस सर हो गए, यस सर हो गए क्लियर, ठीक है बिल्कुल 100% क्लियर होके जाना चाहिए याद रखो, ठीक है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है एक क्वेश्चन है डाउट वगैरह मैं कल भेजूंगा कल की क्लास के बाद ना, ठीक है सर एक क्वेश्चन है मेरा, हां बोलो जरूर सर, ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हम जनरल लेजर पे जब हम एंट्रीज करते हैं जैसे हर किसी का टाइटल वहाँ पे हम लिखते हैं तो उसमें हम नंबरिंग भी करते हैं, जैसे कैश वन पे आ गया तो कैपिटल जो है उसका नंबर टू दे देते हैं, हम सबकी मतलब टाइटल ऑफ अकाउंट जो होता है उनकी नंबरिंग करते हैं, अब यहाँ ट्रायल बैलेंस में जो हमने किया है काम तो इसमें हमने पहले ले लिए असेट्स फिर लाइबिलिटीज फिर एक्सपेंस वगैरह, तो इसमें तो वो सारे आगे पीछे हो जाए तो हम यहाँ नंबर दे रहे आगे पीछे हो जाए, असल में जब हम लेजर बुक्स में तो इसी तरह ही होगा उसी ऑर्डर में होगा, लेकिन हमने यहाँ जो लेजर बनाए ना देखो ये लेजर जो जैसे जैसे पोस्टिंग हो रही थी हम वो लेजर बनाते जा रहे थे समझो, ठीक है यहाँ पर आप एग्जाम में भी इसी तरह ही कर सकते हो कि लेजर आप इस तरह बनाओगे कि जैसे जैसे पोस्टिंग करते जाते हो उसी इसका लेजर बनाते जाओ लेजर बनाते जाओ ताकि कोई मिसिंग ना हो, ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर भी उसी तरह होने चाहिए कि आप जो है बैलेंस शीट के लेजर पहले बनाओ, ठीक है सारे उसके बाद फिर लेकिन चूंकि ये दो कॉलम आ जाते हैं ना जैसे एक कॉलम में हमने इसको कंटिन्यूस बना रहे होते वर्टिकली बन रहा होता
तो ये उस तरीके से फॉलो हो जाता कि सारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी की बुक्स चल रही हैं तो उसमें इसी तरह ही आएंगे, क्योंकि अलॉट होता है ना, देखो नंबर होगा इसको, जैसे 101 है कैश को अलॉट किया, तो उसके वेरी नेक्स्ट जो होगा, जैसे प्रीपेड खोला तो उसको 102 दे दिया इसको, फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल 103 दे दिया, ऑफिस सप्लाईज 104 दे दिया, ठीक है। फिर हमारा फिक्स एसेट शुरू हो गया तो उसको 105 से शुरू कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये उस पर कन्फ्यूज नहीं हो, आपका सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। इनकी बात समझे आप लोग, तो मेरा जवाब समझ लिया? यस सर समझ लिया, ठीक है। तो ये yes, sir, yes. कल का भी लेक्चर, कल टुमारो जो लेक्चर होगा और उसका जो क्वेश्चन हम करेंगे, अब हम देखो कल की क्वेश्चन, कल क्लास होगी, हम एडजस्टिंग एंट्री पढ़ेंगे, है एडजस्टिंग एंट्री, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और फिर आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाओगे। देखो यहाँ पर जब एडजस्टिंग एंट्री होगी ना, तो आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है, यानी कि ये जो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया है ना अभी, ये जो ट्रायल बैलेंस आपको अभी हमने आपको शो किया है, ये जो ट्रायल बैलेंस अब कल के उसमें ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और एडजस्टिंग एंट्री मंथ एंड पे हो रही होंगी, वो आप पास करोगे वही जनरल, उसके बाद जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, ठीक है। फिर हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेंगे, और उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिर हमारी बनेगी कौन सी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, क्लियर हुई बात। तो कल हम सिर्फ आपको एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे और ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनवाएंगे आपसे, समझ गए। ये दो स्टेप हम करेंगे इंशाल्लाह कम से कम, कि अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है, और इसके बाद जो है फिर आपसे एडजस्टिंग एंट्री पास होंगी, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब उसमें डेबिट क्रेडिट जो हो रहा होगा ना उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, और वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगी, उससे फिर हम इंशाल्लाह बनाएंगे फिर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? यस सर। और ये सीआर जो है दो आए हुए नहीं है दोनों, क्या नाम है? हो गया फातिमा, क्या नाम है भाई? सीआर बोले यस सर। ओके, तो ये मैं आप लोगों को इसका कल का लेक्चर और आज का लेक्चर एक साथ में भेजूंगा आपको कल की क्लास के बाद, ठीक है, रात में। ओके सर। तो ठीक है, जिसमें ये कल तक जो पढ़ाया होगा वो भी होगा उसमें, और प्लस क्वेश्चन जो है आज का क्वेश्चन और इसके तीनों सोल्यूशन, ठीक है, प्लस कल जो हम एडजस्टिंग एंट्री करेंगे और उसका फिर सोल्यूशन, वो सब आपको भेज देंगे। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसका हैंड आउट, इसका प्रिंट आउट आप निकालें, अपनी फाइल में लगाएं, क्वेश्चन को भी और उसी के नीचे सोल्यूशन को भी, और फिर हैंड आउट मेरा जो होगा, जो लेक्चर मैं देता हूँ वो इतना इनफ होता है कि आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि बुक से हम प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसलिए कोशिश करो कि बुक्स भी ले लो आप जो मैंने आपको बताई, ठीक है। ओके, फिर बताएं, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। और याद रखो जो क्वेश्चन जिसे किया जाए वो आप लोग उसका आंसर दो, अगर आंसर नहीं दोगे तो फिर मैं हेड ऑफिस को उसी वक्त मार्क करूंगा कि इनका चाहे आपका सवाल जवाब हो।